Assalamualaikum, good morning Pakistan. ये ऐसे तो चलता है live show में जब तैयारी कर रहे हों और एकदम on air कर दिया, मुझे बताया भी नहीं क्या, मुझे लगता है मेरा आई भी नहीं काम कर रहा था. चलिए कोई बात नहीं. हाँ जी, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं भाई. मैं तो डाइटिंग पे ही लगी हुई हूँ आजकल, और जैसे 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 टाइम गुजरता जा रहा है क्रेविंग्स हल्की हल्की बढ़ती जा रही हैं, और पता नहीं क्या होता है, बैठी हुई होती हूँ मोबाइल पर तो मज़े मज़े की खाने की तस्वीरें आए जा रही होती हैं. मतलब मेरी एक आजमाइश है ये कि खाने से दूर कैसे रहना है. आजमाइशें तो खैर बचपन से ही हो रही होती हैं. जब आप छोटे होते हैं तो अक्सर आपको ऐसा लगता है, जब कोई खुशी की खबर होती है तो पूरे मोहल्ले को पता होती है, घर के छोटे से छोटे चुन्ने मुन्ने बच्चे को पता होती है कि भाई ये है खुशी की खबर, ये चीज़ आने वाली है, इसको सेलिब्रेट करना है. लेकिन जैसे ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं उसके साथ गम भी आते हैं, और जब वो गम आते हैं और जब हम छोटे होते तो हमें उन गमों के बारे में पता ही नहीं चलता. क्यों? क्योंकि उस आजमाइश के हवाले से हमारे पेरेंट्स हमें आगाह नहीं करते. वो अपने कंधों पे सारा बोझ ले लेते हैं ज़िंदगी का, वो ही खुद टैकल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके ही अंदर हिम्मत होती है और वो नहीं चाहते कि वो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करें. मगर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जो हिम्मत है वो जवाब देने लगती है, और आहिस्ता आहिस्ता उस आजमाइश में वो हमें भी शामिल कर लेते हैं. और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जो बच्चे हैं वो इस सारे बोझ को अपने कंधों पे लाद लेते हैं. जब पेरेंट्स के अंदर उन आजमाइशों को फेस करने की हिम्मत नहीं रहती, जब वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कोई भी ऐसी सख्त खबर सुनाई जाए तो उनको दिल का प्रॉब्लम हो सकता है या उनकी तबीयत ठीक नहीं रह सकती, तो बहुत सारे बच्चे घर में कोई ऐसे सेंसिटिव बच्चे होते हैं, मतलब अगर 5 बच्चे हैं तो उनमें से कोई एक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है जो सारा बोझ कोशिश करता है कि वो उनसे अपनी तरफ ले ले. और यही है आजमाइश ज़िंदगी की, इसी को लेकर हम चलते हैं. क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ खुशी नहीं रह सकती ना भाई, गम भी होता है, बुरे हालात भी आते हैं, अच्छे हालात भी आते हैं, मगर जो इन सब हालात को एक साथ फेस करते हैं मिलकर उसे फैमिली कहते हैं. तो जी, फैमिली की जो सपोर्ट सिस्टम है दुनिया में, उससे बड़ी सपोर्ट सिस्टम कोई और हो ही नहीं सकती. आज मैं क्या करने वाली हूँ अपने शो पे, आप सोच रहे होंगे कि क्या आजमाइश 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 की बातें करें. देखिए भाई, जब भी कोई अच्छी चीज़ आने वाली होती है तो मैं उसका बहुत ही फ़ख्रिया ऐलान करती हूँ, और आज भी मैं ये ऐलान कर रही हूँ आप लोगों के, आपके फेवरेट एक्टर्स अंडर वन रूफ, अच्छी कहानी, अच्छी डायरेक्शन, अच्छे प्रोडक्शन हाउस, अच्छे चैनल, इन सबको जब आप एक साथ मिलाते हैं तो आजमाइश आपको नज़र आएगा 19 मई से. अच्छा, 19 हो गई ना, अल्लाह मैं तो डेटें भी भूल गई हूँ. डाइटिंग ने मेरा थोड़ा थोड़ा कमज़ोर किया है मुझे, लेकिन मेरा दिमाग भी कमज़ोर कर दिया है. तो 19 तारीख से जो ड्रामा शुरू हुआ है ARY डिजिटल पर, उसका नाम है आजमाइश. और आज मुझे मौका मिल रहा है इसकी जो टीम है, इसकी जो मेन लीड्स हैं, उनको बुलाने का और उनसे पूछने का कि ये आजमाइश उनके लिए कैसी आजमाइश रही. आइए एक छोटे से वक्फे के बाद जानते हैं कि किंजा, यशमा और फहद, इन तीनों के लिए ये आजमाइश कैसे रही. और मज़े की बात ये है, कभी कभार आपको ड्रामा इतना अच्छा लगता है कि आप चाहते हैं कि ये मोर से ज़्यादा हो, तो ये भी मोर से ज़्यादा है. डबल एपिसोड आप वेनेसडे, हर वेनेसडे के वेनेसडे रात 8 से 10 देख सकेंगे. हमने पोस्टर पे भी लिख दिया है ताकि बार बार मैं आपको बावर कराती रहूँ थ्रू आउट द शो कि ये ड्रामा वेनेसडे, वेनेसडे आज है. ओहो, दिनों का भी नहीं पता मुझे तो. आज ही है बुध की वो रात जिस दिन आप देख सकेंगे आजमाइश का वो एपिसोड. अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो ARY का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके स्ट्रीमिंग करें, देखें. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बुझा मेरी पूछना वा मैं किस्मत को लो ए हो लिखी सी सजा मेरी तू मेरा नहीं. मेरा रोम रोम खाली
मेरा नहीं। मैं उसके बाप का हूँ हाजिम हूँ। अन्ना की पुजारी है ये लड़की। रुद्रा नहीं हूँ मैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ, 19th ऑफ मे से एक नई ड्रामा सीरियल शुरू हुई जिसका नाम है आजमाइश। उसकी आएगी आज दूसरी एपिसोड, डबल एपिसोड, रात 8 से 10 आजमाइश देख सकेंगे। और उसके जो मेन लीड्स हैं वो आज हमारे साथ शो पे मौजूद है। ज़रा मैं थोड़ा सा उनसे पूछूंगी ना कि क्या हुआ, मतलब क्या कहानी है, ज़रा ज़रा सा हमें बताएं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, और इस ड्रामे को जिसका नाम आजमाइश है उसको लोग क्यों देखें, क्यों अपने टाइम को इन्वेस्ट करें इनके इस ड्रामे पर। तो इन तीनों को बुलाकर ये पूछना है मुझे, ज़रा अंदर की बात निकलवानी है कि क्या हमें इन 2 घंटे बहुत मज़ा आने वाला है, क्या हम इन 2 घंटे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, मज़े के साथ साथ थोड़ी बहुत लर्निंग भी होगी, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हमें कैसे फेस करें, जो आजमाइशें हैं क्या उसका जो वो कहते हैं ना कि कुंजी है, चाबी है उस दरवाजे की, वो क्या यहाँ इस ड्रामे में छुपी है। आइए वेलकम करते हैं फहद शेख, जो ड्रामे में आपको नजर आएंगे एज बासित, किंजा हाशमी एज निमरा आपको नजर आएंगी, और यशमा गिल एज शिजा। कैसी आपने मेरा नाम लिया, मैं आ गया फौरन, मैंने कहा मैं पहुंचू, मैंने कहा मैं पलटी हूँ, बैठ गया आप करें कॉटी हो करें। ओह माय गॉड, आ जाओ लड़की हो तुम्हारे लड़के ने तो मुझे डरा दिया हमारी गलती है, मैंने उसे धक्का दे दिया, मैंने कहा तुम जाओ पहले, तुम सबसे लेट आए हो, तुम घुसो अंदर, तो वो धक्के से वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? दोनों लड़के इधर आए ना, मतलब मेरी गलती है कसम से, लेकिन सुबह से रात से कह रही है कि अनाउंस होने लगा नाम, चलो चलो चलो, मैंने कहा देखो टाइम पे जाना चाहिए, तो तुम आए भी लेट हो, अब तुम अनाउंस होने के बाद भी लेट जाओगे, तो मैं उसको धक्का देता हूँ। अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना, यहाँ से मुड़कर पे यहाँ आऊंगी, फिर वहाँ से आएंगे तीनों एक साथ, तो वो जब एकदम मैंने कहा सरप्राइज, लाइव शो में मेरे बराबर कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि कभी कभार होता है ना भाई कि सबको कुछ नजर नहीं आ रहा था और आपको कोई नजर आ रहा होता है। किंजे जी और निदा जी मैच कर रहे हैं। हाँ ये तो इत्तेफाक हो गया, ये आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब जब नया ड्रामा शुरू होता है मेहनत से उसमें एक्टिंग की होती है, तो एक अंदर कुछ बेचैनी एक्साइटमेंट तो होती होगी कि नहीं? बहुत ज्यादा होती है। चू, पहले एपिसोड के बाद स्पेशली आपको इंतजार रहता है लोगों का रिस्पांस कैसा आएगा। हम लोग कोई भी सीन करते हैं, जैसे इस एपिसोड में भी चले हैं यशमा के, किंजा मेरे सीन है, तो हम बहुत एक्साइटेड कि यार हमने जब सोचा था, हर कोई सोचता है कि यार मैं जब करूंगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा या वैसा आएगा, तो अगर क्लिक कर जाए आवाम के साथ जैसे इस एपिसोड में किया है एक सीन, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने स्टोरी तुम लोगों की लाइक देखी है ना, तो वो मुझे जो उसकी वन लाइन है वो बहुत मजे की लगी। क्या लगा आपको, आप बताएं क्या लगी वन लाइन? बड़ी फिल्मी सी है ना, जैसे लाइक कहानी जिस तरह की है, जो नेचुरली भी हमारे माशरे में होता है ऐसा। और हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आई थिंक बहुत ज्यादा एक फिल्म की तरह इस ड्रामे को लेके भी शूट किया, फजर रजा फजर, हाँ जी, उनका हालांकि डेब्यू ड्रामा है ये, लेकिन हम सब लोग इतने ज्यादा सरप्राइज थे, हम सब जब आई थिंक बाकियों के बिहाफ पे तो मैं नहीं बात कर सकती, बट आई वाज साइनिंग द प्रोजेक्ट आई वाज लाइक यू नो मतलब इनका डेब्यू प्रोजेक्ट है, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, बड़ी कंफ्यूज थी यशमा फजर रजा पढ़ के, मैंने कहा हमने सुना बाहर, हमने सुना और फिर मुझे पता चला, मैंने कहा मैं पूछ लूं, तो हमने कहा फजर को बता चुका है मेरे साथ, जब मैं मीटिंग के लिए गई थी तो डॉक्टर अली काजमी साहब ने मुझे कहा कि फजर आ रहे हैं तो वो आपको बताएंगे, तो अब मैं बैठ गई, अब वो फजर आए बैठ गए, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, अच्छा मैं इधर उधर देख रही हूँ, तो अभी आप क्या कर रही हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं बस काम, मैंने कहा फजर नहीं आई अभी तक, तो कह रहे मैं ही फजर हूँ, मुझे लगा कि लड़की है फजर जी जी, अमीना एजाज ने लिखा है, बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस है,
तो भाई ये तो गारंटी है कि इतनी सारी सारी चीजें हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं और फजर ने बहुत अच्छा शूट किया, जो मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि हाँ। वो उनके डेब्यू के हिसाब से मतलब हम सब बहुत अमेजिंग। अच्छा उन्होंने और इससे पहले कोई डायरेक्शन नहीं किया किसी ड्रामे की? बेसिकली फिल्म से है वो, तो कोरोना की वजह से फिल्म रुकी है फजर की। अच्छा, तो दैट्स व्हाई फजर को है कि अब चलो गैप है तो जरा मैं प्रैक्टिस करता रहूं। प्रैक्टिस करता हूं तो ये देखेंगे भाई, आज डबल एपिसोड है और तुम लोगों ने मिस नहीं करना। मैं तो दो बार देखता हूं, व्यूज बढ़। अच्छा तुम दोनों में से जो हम प्रोमो देख रहे हैं उससे हमें अंदाजा, क्योंकि मैं पहला एपिसोड मिस कर गई हूँ, अब वो मुझे आज सेकंड एपिसोड देखना है, लेकिन उससे पहले मैं यूट्यूब पे जाके देखूंगी तुम्हारा कैरेक्टर नेगेटिव लग रहा है यशमा। बिल्कुल है। किंजा का बेचारी कैरेक्टर है, और आपका क्या कैरेक्टर है? मुझे आपके थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि आपका बेचारा कैरेक्टर है। मैं हूँ जो ठीक करूंगा सब। अच्छा मतलब कहानी नहीं बतानी। नहीं, उसकी नेगेटिविटी और इसका बेचारापन को आप कुछ न्यूट्रलाइज करेंगे? हाँ, मैं बीच में हूँ दोनों के, तो आई बी द वो क्या कहती है एंकर होऊंगा मैं दोनों। रेफरी होंगे? रेफरी होंगे। साफ साफ अल्फाज में ठीक कर रहे हैं और मेरे तो ये मुझे असल जिंदगी में मुझे लग रहा है ठीक करने का। तो इन दोनों की कुश्ती में रेफरी साहब, हाँ रेफरी, रेफरी ज्यादा नंबर कुश्ती में कौन ले जाता है, ये या ये? बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत बैलेंस है निदा जी। अच्छा। इसमें ये नहीं है कि खाली यशमा ही ले जाएगी या किंजा ले जाएगी, इनका बहुत बैलेंस है। अच्छा। शुरू में जैसे आपने अभी आपको ट्रेलर से पता चला होगा कि शी इज देयर, यही हर चीज प्लानर जो भी करती है और वो उसमें जुल्म हो रहा है, फिर वो आएगी रिबाउंड करेगी। अच्छा, तो बड़ा मजा है मुझे। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, यशमा तुम तलवार से भी लड़ रही हो? फेंसिंग हुई थी तो मैंने सीखी है क्या? तो आपने मेरी दुखी दर्द पे हाथ रख दिया और मेरी दर्द हो गया। हाँ जी, मुझे मैंने आमिर खान है यहाँ की। मैं फेंसिंग, तुम तो बस जल सो करके ना तुम चले जाओ बाहर। अच्छा, क्योंकि इन लोगों के लिए ना इसके जब भी स्लोमो शॉट्स हो रहे होते थे ना, ये मुझे बोलते थे ये बड़ी कहानी है, मुझे बोलते थे जब ड्रामा आएगा ना तुम मेरे स्लोमो शॉट्स देखना और तुम जल सो के मर जाना। मैंने कहा तुम मेरा एक शॉट आएगा वो देखना, और तुम्हें तो अभी तक पता ही नहीं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अब वो सरप्राइज मेरे लिए हो गया कोई सेंसर के इश्यूज की वजह से, वो सीन ही काट दिया पहले एपिसोड से, बट टीजर्स में, हाँ टीजर्स में वो आया था। तो वो था कि बेसिकली डायरेक्टर, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो डायरेक्टर ने बोला था कि इसका लड़की का जो ओपनिंग सीन है ना वो मुझे इतना मजे का नहीं लग रहा, तो मुझे इसकी कोई ओपनिंग ऐसी बनानी है जिससे पता चले कि शी इज़ वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग फिजिकली ऑल्सो, और इस तरह से मतलब पता चले उसकी ओपनिंग सीन में कि ये ना थोड़ी सी साइको है, कि दूसरों को ना ये बोलती है कि मुझे जीतने के लिए भले ईजी आप ईजी हो जाए चाहे वो मंगवाएं, ये जीतने के लिए तुम कुछ होना चाहिए हमें जीतने के लिए, तो बता रही हूँ कि हाँ ये दोनों मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे गैंग अप करते हैं, असल ड्रामे की शिजा ये दोनों है मिलके एक साथ सीरियसली। अच्छा, शिजा निम्रा और बासिर ये है ड्रामे के कैरेक्टर्स। जब तुम लोग एक से ज्यादा ड्रामे कर रहे होते हो तो कभी कभार कंफ्यूजन नहीं हो जाती नामों में? माशाल्लाह आजकल तो बहुत काम है। एक दो दफा बोलता था शिजा की जगह नहीं निम्रा की जगह क्या, तुमने कोई और नाम लिया? वो जलन वाला नाम हो, निशा, 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 मुझे बोलता था निशा, मैं कहती थी निशा कौन है? एक दो बार मेरे मुंह से निकला, हो जाता है नेचुरल। पहले पहले दिनों में तो बहुत मुश्किल होती है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या था, अच्छा तुम्हारा, कई बार होता है हम लोग कहते तुम सुनना बात सुनो उसी में निकाल दो। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो मैं तुम लोगों से पहला सवाल है वही करना चाहती हूँ कि लोग दो घंटे है ना मतलब जी जी। 8 से 10 दो घंटे किसी की जिंदगी के दो घंटे बड़े कीमती होते हैं, वो क्यों देखें लोग, क्यों इन्वेस्ट करें अपना टाइम आजमाइश में? हाँ किंजा तुम बड़ी खामोश हो, तुम्हें मौका दे रही हूँ, तुम्हारे पास है पूरे के पूरे 1.5 मिनट। क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी है, हम लोगों ने एक्टिंग अच्छी की है उसमें, हाँ। और फजर का काम देखें, न्यू डायरेक्टर हैं लेकिन उनका काम जो है वो बोल रहा है, हाँ। कि अभी हम लोगों ने जो पहली दो एपिसोड आई हैं और एक तरफ मेरा मोहल्ला चल रहा है जो रोजाना चल रहा है, और ये अभी दो एपिसोड आई थी और उसके अंदर से एक सीन जो है वो इतना अच्छा शूट किया था उन्होंने कि वो हर जगह वायरल हो रहा है, लोग लगा रहे हैं उसके ऊपर एडिट्स कर रहे हैं फाहद की मेरी, हाँ। वो पिक्चर्स को इसकी जो शूट की एक, हाँ। वो फेंसिंग वाला है वो भी चल रहा है हर जगह
लग रहा है. तो मतलब दो एपिसोड्स में भी लोग वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टू एपिसोड्स कब आएंगे. पता चल जाता है ना, पता चल जाता है आपको. सबसे नीता जी स्क्रीन डिफरेंट है, आपको कुछ रिफ्रेशिंग लग रहा है. अच्छा लाइक ये जो डायरेक्टर है ये सीन वगैरह प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ वैसे शूट कर रहा है. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है, वो तो रुक जाते हैं. और सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर शूट करते हैं ना, तो एक्टर जो है उसकी बस हो जाती है. कहता है कि बस अब नहीं हो सकता. लेकिन फजर के काम में हमें पता ही नहीं चलता कि वो शूट भी कर रहे हैं. तो क्या वो बार बार से कहीं पढ़कर आ गए? पढ़े लिखे, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे डायरेक्टर. और इसी में मतलब पढ़ के आए. अच्छा मतलब लाइक जो काम करे जी जी मीडिया स्टडीज. और ये आप तीनों से मेरा सवाल है, आप लोगों ने ये कैरेक्टर जो है ये क्यों चूज किया? मतलब जाहिर है आप लोगों को डिफरेंट स्क्रिप्ट मिलते होंगे. ऑप्शन नहीं थी काम. मैं तो स्ट्रगलर नहीं, आई थिंक एक तो हम तीनों पहले तो काम नहीं है. नहीं मैं सच बताऊंगा आपको, तीन आप जी आप तीनों के पास काम नहीं था. नहीं तीनों पहली दफा तीनों बिजी थे निदा जी. मैं दूसरी तरफ दो दफा नेगेटिव कर चुकी थी, तीनों बिजी थे. तीनों बिजी थे, यशमा भी दो ड्रामास पे थी, किंजा भी दो ड्रामास पे थी, मैं भी दो ड्रामास. लेकिन ये है कि किंजा को पॉजिटिव कैरेक्टर करने का मौका मिला, वरना इसको ऊपर छाप ही लगा दी थी ना. जरूरी होता है आपको अपना छाप हटाना जो पिछले तुमने कोई ड्रामे की जैसे नेगेटिव कैरेक्टर्स. हां मेरे वैसे मिक्स ही रहते हैं, कभी पॉजिटिव होता है. बल्कि ये आने के बाद लोग कह रहे हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव करती हैं, तो मैंने कहा भाई जाके मैं देख लें, आप लोग जाके वो देख लें. दूसरे हम टीवी के भी ड्रामे थे कोई है ना उसमें. क्या आप इनको अपना एक शो शुरू हो गया, अभी से धमकियां दे रही है, आप देखिए जरा. तो जी इसको जो रात को मैसेज कर देना, उठवा लेते हैं ऐसे आपको उठवा लेते हैं रक्षा भेज के. हाँ रक्षा सही है इसके लिए, ठीक करूंगा तो मैं. ये मस्तियाँ सेट पे भी जा रही थी, ऐसी सेट पे भी बस तंग करते रहते. सेट पे जो है यशमा जो है वो मुझे टारगेट है एनर्जी की, मतलब पूरा सेट लेके चलती है यशमा. एनर्जी इनकी ऐसी, बोले एनर्जी भाई. किसको घर भागने की बहुत जल्दी होती है ना, कि जल्दी से शूट खत्म. यशमा को क्यों, ये तो एनर्जी दे रही है. जिम जाना होता है. जिम के लिए मैं बोलती थी कि लाइक अब 10 बज गए, अब मुझे जाने दो क्योंकि मेरा जिम बंद हो जाएगा 11 बजे. तो उसमें ही मुझे बोलते थे तुम जिम विम जाती हो नहीं, मुझे पता है. तैयार होके पूरा करके अगले दिन पूछो वो, मैं रास्ते में मैंने सोचा कि क्या जाऊंगी, थक गई हूं सारी. पूरा 15 मिनट लेके वार्डरोब पहन के ट्रैक सूट पहन के जा रही हूं. मैंने कहा ये आज जाएगी जिम, अगले दिन फिर झूठ. तुम तीनों वो वाले लोग जो जिम जाते हैं, कितना तुम भी जाती हो जिम? मैं पहले जाती थी, अब छोड़ दिया बीच में. फहद जाता है रोजाना. अच्छा किंजा ने मुझे सर पे बोला तुम जब जिम जाती हो ना तो मुझे लगता है और मोटी होना शुरू जाती हो, तुम नहीं जिम नहीं जाना. तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊं. क्योंकि फिर उसके बाद कुछ दिन गई और फिर आके बोला कि हाँ यार मैं तो मोटी हो रही हूँ. तो फिर वो कुछ डाइट का इसने कुछ बीच में किया है शायद, खाना खाना शुरू हो जाती है. बहुत अच्छी डाइट करती है, डाइट का खाना लाती है, फिर पहले हमारा खाती है, बाद में डाइट का करती है, सब करती है. तुम तो ये तो मेरे मियां पे चली गई. मेरे मियां आई की मैं चिट्टी जाके समोसे खाते और तो कुछ. अच्छा ये कहानी है. नहीं तो क्या, मुझे जरा डाइट बताओ ना तुम लोग. छीन छीन के खाती है ये. आप मजाक समझ रही हैं, रोजों में इफ्तारी में इसके साथ होते हैं शाहिद भाई हैं. वो बेचारे इनको ये ले बॉक्स लेके, बड़े पढ़े लिखे बॉक्स, ऊपर स्टिकर लगे. तुम जो अपने साथ पूरी दुकान की मुर्गी के अंडे रख लेते थे टेबल पे, पूरे टेबल सिर्फ अंडे अंडे खाता है ये रोज, पूरा दर्जन से ज्यादा. हाँ. और उसमें बॉय लोग के ना लाइक फिक्स हुए होते हैं, वो भी खा जाते हैं, फिर हलीम भी मंगवाते हैं, फिर वाटरमेलन भी होता है. तुम कम खाते हो? प्रोडक्शन प्यार करती है मुझसे, मुझे खिलाती है, खाओ. फिर तुम्हें प्रॉन का सूप भी पीना होता. अच्छा, है रात को. हकीकत है ना, वाटरमेलन से वेट रिड्यूस होता है. होता है लेकिन वाटर रिटेंशन भी हो जाती है. मैंने 3 दिन किया वाटरमेलन डाइट, तो मुझे मेरा वेट तो रिड्यूस हुआ जब वो खत्म की. तो फिर जो है वो मुझे मुझे लगा कि थोड़ा सा एक परसेंट कुछ और बढ़ गया. 3 दिन में कुछ भी नहीं होता निदा जी. 3 दिन खाली वाटरमेलन खाया और कुछ. बट वाटर रिटेंशन कैसे होगी? बिकॉज़ वो जैसे आप खाते हो ना. अच्छा आजमाइश से इसका नाम बदल के ना इसको करते हैं. ड्रामे का नाम भी बदलते हैं. डाइट ड्रामा. तो पानी बॉडी पकड़ लेती, पानी नहीं छोड़ती, बस आगे ड्रामा. नहीं लेकिन पानी तो बॉडी तब पकड़ेगी ना जब पानी में बॉडी में कम पानी जा रहा होगा, तब बॉडी रिटेन करती है ना. रोजों में क्या हो रहा होता है? अच्छा रोजों की बात कर रहे हैं. और हम लोग क्या लाते हैं, पहले तुम खुद क्लियर हो जाओ, फिर पब्लिक को बता रहे क्या होते. पहले आपस में बहस कर लो. तो जो शीजा है ड्रामे में निदा जी, ये देखो ये क्या शीजा का क्या कहने वाले थे आप. समझ गई होंगी आप.
चलो शुरू करो। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी किंजा तुम कैसे इतनी दुबली पतली हर ड्रामे में नजर आ रही होती है और आजमाइश में भी आप इतनी दुबली पतली नजर आ रही हैं। अच्छा मैं कोई ज्यादा डाइट नहीं करती हूँ, मुझे जो चीजें फील होता है कि मैं खाती हूँ और मैं वेट गेन करती हूँ, जैसे रोटी हो गई, हाँ। चावल हो गए, तो रोटी तो मैं दो दो महीने शायद नहीं खाती हूँ। अच्छा तुमने चीज पकड़ ली, तुम्हारा रोटी और चावल से वेट, तो मेरा उससे वेट बढ़ता है तो वो फिर मैं कम कर देती हूँ। रोटी वैसे ही नहीं खाती, दो दो महीने नहीं खाती। नहीं यार, तो वो फिर बैलेंस रहता है। फिर फाइबर कहाँ से मिलता है तुम्हें? दूसरी चीजों से, कोई और जो खाने की चीजें हैं वो सब खाती हूँ बस। जिस और चावल भी छोड़ देती हूँ, चावल कभी कभार, लेकिन रोजाना खाती हूँ। और मीठा? मीठा बहुत कम, बहुत कम। किंजा थोड़ी हेल्दी डाइट पे बिलीव करती है, मैं देखती हूँ, मतलब इसने आजमाइश एवरी वेंसडे 8 PM। कहानी सुना देंगे आज ढाई घंटे तक, आजमाइश की ए टू जेड कहानी सुनाएंगे। यार इसको तो मैं रोक रहा हूँ, ये कह रहा है कि मुझसे कोई और बात ना करो, आजमाइश की कहानी सुनो, लाओ भी स्क्रिप्ट लाओ। और जब यश लोग बात करे तब मैं बोलूँ? नहीं 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 बता रही मैं तुम्हारा कोई रास्ता, टेंशन नहीं, तुम बोलने दो। हाँ तो किंजा फिर तुम लाइक इस तरह मजे से अपना वेट रिड्यूस कर लेती हो? हाँ हाँ, वो यही है कि 10 दिन की बात नहीं है कि आप 10 दिन डाइट करें और फिर खाना खाएं, तो ये पूरा साल ही चलता है इस तरह से। अच्छा, कि कभी बीच में 2-3 दिन आए रोटी खा ली, लेकिन फिर उसके बाद फिर महीना छोड़ दिया। कभी कभार ऐसे होता है जैसे कितना टाइम लगा आजमाइश की शूटिंग में? अभी भी चल रही है, अभी मतलब लाइक महीने लगे ना। कभी कभार ऐसा होता है कुछ सीन में आप बल्कि होते हैं और कुछ में आप इतने बिल्कुल पतले हो जाते हैं, और जब आप वो फेस स्वेल हो जाता है बीच में कभी कभी। हाँ, मेरा वैसे रहता है, मेरा और इसका होता रहता है फूल तक। और अगर थोड़ा सा भी जैसे 19-20 हो गया तो मैं फौरन फिर दोबारा उस पे आ जाती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो यानी कि रेगुलर? नहीं, शीशा है ना मेरे पास, मैं रोजाना उठ के देखती हूँ कि आज थोड़ा सा चेंज हो गया फेस, मतलब वेट गेन कर लिया है, तो साथ ही उसको कम कर देती हूँ। अच्छा, लाइक कंट्रोल? अच्छा हाँ, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं रखती हूँ कि जी खाते रहो बढ़ गया तो फिर उसके बाद 10 दिन लगा के कम कर लेंगे। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेंटेन रखना है। पहले से ही हाथ रोक लेती हूँ? पहले से ही हाथ रोक। और तुम किस तरह के कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हो कि एक साथ बढ़ा के फिर आराम से कर लेंगे? हाँ, मैं थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट हूँ अपनी हर चीज में कि अगर करना है तो फिर डाइट भी प्रॉपर करनी है, जिम भी प्रॉपर जाना है, और अगर कोई एक चीज बीच में से नहीं हो रही तो फिर मैं कहती हूँ चलो फिर सब चीजों पर सुकून करो, और एक ही दफा जब टाइम मिलेगा तो तब करूंगी, तो उसमें बैलेंस थोड़ा आउट है मेरा। बट मेरा तो ये चक्कर है कि आई स्मेल फूड एंड आई गेन वेट, और मुझे वाटर रिटेंशन भी बहुत होती है, तो मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। अच्छा, पता है क्या, कुछ लोग खुश नसीब होते हैं, इतना भी कुछ खा ले उनको नहीं कोई इस लड़की की वजह से मैं पहली बार कॉन्शियस हुआ जिंदगी में, पहली बार। मतलब आप इसके आगे ना अजीब से कॉल इट के डड्डू लगते हैं, मतलब आप गोल है, आप गोल है, मतलब आई थिंक कि आप गोल है किंजा के, ये शाब है। अच्छा, और मैं ये कह के ना कि बोलती हूँ पहले कि अब तुम मुझे 2 दिन बाद देखो, मतलब ये आप 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है यार। वो आप अभी भी देखे बहुत जल्दी गिरते हैं, हम दोनों को देखे, हम दोनों यू नॉर्मल है, नॉर्मल लोग। वो लेकर आई हुई जॉ सुबह सुबह, ये लो सुबह सुबह जॉ, जॉ तो नेचुरल होती है लोगों की। नहीं, वो लेकर आई, बात मुझे याद रहेगी, सुबह सुबह जॉ लेके आए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक पे जाने से पहले हम आजमाइश का OST आपसे शेयर करें। याद रखिएगा आज थर्ड फोर्थ एपिसोड आप आजमाइश का देख सकेंगे रात 8 से 10 सिर्फ ARY डिजिटल पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दुनिया में बहुत कम लोग इतने खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई ऐसा चाहने वाला मिले जो उनके लिए अपने होशो खवास खो बैठे। जहाँ मैं खड़ी हर रिश्ता आईने की तरह साफ है मेरे साथ। दुआ करती हूँ कि आप वो आईना कभी ना देखें। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा है मेरा ही है, खुद नू लारे ला बैठा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज रात आजमाइश की तीसरी चौथी यानी डबल एपिसोड रात 8 से लेकर 10 तक आप देख पाएंगे, और अगर आपने पिछले एपिसोड्स जो 19 मई से शुरू हुए थे वो मिस कर दिए तो ARY के यूट्यूब चैनल जाकर आप
देख सकते हैं और फिर फॉलो आज से करना शुरू कर दें, वरना फिर ज़्यादा टाइम गुजर जाता है ना तो ज़्यादा YouTube पे टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा कि आज ही देख लो, उससे पहले देख लेना 6 से 8 तक वो देख लेना, उसके बाद फिर 8 से 10 ही, आज का पूरा दिन आजमाइश के नाम। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ बासित, निमरा और शिजा हैं, प्लीज शिजा एंड निमरा, मतलब कि किंजा, यशमा एंड फहद, ये तीनों मौजूद हैं। इनके अलावा जो मुझे प्रोमो में ड्रामे में नजर आए हैं वो शहूदल भी हैं, लैला वास्ती हैं, मिनसा मलिक हैं, फुरकान कुरैशी हैं और गुलेर, ये नजर मुझे आई है ना अभी तक। और इनके अलावा भी कोई, रेहान भी हैं, रेहान है, राशिद फारूकी हैं, अच्छा वो भी हैं, तो कास्ट अच्छी कास्ट है, ज्यादा बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, जी जी कंपोज्ड है, बेसिकली एक फैमिली की स्टोरी है, अच्छा जो कि इनकी फैमिली है, अच्छा तो उस पे फोकस ज्यादा है। तो आप चचा बच्चा के बेटे हैं? मैं मतलब? बस एक स्ट्रगलर ड्रामे में, ये जो मेरे जो हमारे जो अब्बू हैं उनके ऑफिस में काम करते हैं, मैं एम्प्लॉई हूं। अच्छा 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 अच्छा, तो आप फाइलें लेकर घर में आते होंगे? आपको पता है कभी एडमिशन फीस जमा कराने जाते हैं सारे काम में, और कभी आई एम द गाय, नहीं तुक्के मार रही हूं मैं अभी सिर्फ, यूनिवर्सिटी में तो वहाँ मैं देखता हूँ निमरा को, अच्छा अच्छा वहाँ फिर ये गाना चलता है, क्योंकि गाना मेरा है, अच्छा ये गाना हमारे हीरो का है, गाना मेरा है, अच्छा ओके ये तो है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जब आप सेट पर एक साथ तीनों ने पहली दफा काम किया, हाँ पहली बार तीनों ने एक साथ पहली बार, तो अगर मैं तुमसे पूछूं किंजा तुम बताओ यशमा के बारे में, तुमने क्या एनालाइज किया इसकी पर्सनालिटी के बारे में, और यही वाइस वर्सा मैं आप तीनों से पूछूंगी। यशमा बहुत ओवरथिंक करती है, अच्छा और जिसकी वजह से ये बहुत तंग भी करती है हमें सेट पे, मतलब लाइक अगर यशमा बोल रही है ना तो सब चुप करके इसको देखते रहेंगे और कहेंगे क्या बोल लो, कैरेक्टर के बारे में ओवरथिंक करती हूं कि मैं हर सीन से पहले ना डायरेक्टर के साथ मुझे होता है कि मैं बैठ के बात करूं, अच्छा कि हम ये सीन इस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी एक डायरी मेरे साथ मेरी एक डायरी होती है पूरी, जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने ना पूरे सीन्स बनाए होते हैं, रजिस्टर है, झूठ बोल रही डायरी नहीं, मतलब रजिस्टर है पूरा, अच्छा जैसे ज्यादा बड़ा हो गया ना तो वो मुझे मेरे मूड्स पता होते हैं, चीजें पता होती हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे ना लाइक कभी अगर कुछ लगे कि मेरे कोई मूड से अगर मैं एक सीन कर रही हूँ वो तीन सीन बाद जाके वो मूड उससे मैच नहीं करेगा, अच्छा तो मैं बात करूंगी, तो उससे ना लाइक दूसरे एक्टर्स कभी कभी होते हैं यार टाइम जाया कर हमारा सीन भी, मैं कहती हूँ आप लोग भी पढ़ के आ जाइए स्क्रिप्ट बात कर ले। अच्छा अगर मैं आपसे फात पूछूं किंजा के साथ आप पहली दफा काम करें, इसकी पर्सनालिटी को एनालाइज करें। पर्सनालिटी वाइज बड़ी काम है, नॉर्मली वो होता है लड़कियां ये अपने उसमें रहती है तो अपने जोन में रहती है, हाँ। सीन के टाइम बताती है कि मैं क्या चीज हूँ तो वैसे चिल रहती है, हाँ। और आप कभी भी ये दोनों, मैं दोनों के साथ काम करना चाहता था, मैं तो स्ट्रगलर आदमी, ये जो आजी है ना ये नहीं जो सच बात है, मैंने यशमा को भी पहले दिन बताया था आई वांटेड टू वर्क, बकेट लिस्ट में आ गई जी, एक तो किंजा के साथ मैंने कर लिया, आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद किंजा के साथ कर लिया, यशमा के साथ कर लिया, और बकेट लिस्ट में कौन कौन है? सब है, सब है, एक लाइन है खाली, अभी तो एक ऐसा नाम है जो नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकता था अभी उनके साथ ड्रामा करने में, कौन भाई अभी छोड़ दे वो कर ली, अच्छा अभी रिवील नहीं करना, हां जी राज है, हां तो आ जाएगा अफगानिस्तान पे वो राज फाश कर पाए, वही तो नहीं है, नहीं वो एक ऐसा भाई एक ऐसा नाम आ गया कि मुझे पता ही नहीं था, आप देखें मुझे पता है वो नाम, नहीं नहीं कल कल का पूछ लेंगे ना, अच्छा और बताओ इसके बारे में, और ये है कि दोनों ये जिस तरह ये है ये बहुत इन्वॉल्व होती है, मुझे आई लव भाई इसके बारे में तो मैं पूछ ही नहीं रही ना, अच्छा वो आप खाली इसके बारे में बताएं, अच्छा किंजा का ये है कि किंजा जो है वो आई थिंक इतनी ज्यादा सीन कर चुकी है कि किंजा के लिए कुछ नया नहीं है, अच्छा तो किंजा के पास बहुत वेरिएशन होती है, मतलब किंजा बहुत सारे ड्रामे कर चुकी है, सीन ज्यादा आपको पता एक एक्टर के साथ थोड़ा अबूर हासिल हो गया कि आप मुझे यही सीन कहते कि वो फौरन रिएक्शन के बाद अगर आपने कुछ अपनी तरफ से आउट ऑफ द बॉक्स किया ना कि मैं यूं करूंगा, हाँ। तो किंजा के पास उसका आंसर होगा, आप ये नहीं कर पाएंगे कि आप कुछ ऐसा कर देंगे किंजा के ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये आगे जाकर कि अच्छा चलो भाई यशमा आप तुमने फहद को एनालाइज करना है जब उसकी पर्सनालिटी मैंने तीनों से इसीलिए अलग अलग पूछा इसके बारे में इससे पूछा, अच्छा वर्क वाइज या वैसे लाइक एज अ पर्सन, एज अ पर्सन मुझे वैसे ऑनेस्टली आई थिंक
फहद से अच्छी अब चॉइस नहीं हो सकती थी बासित के कैरेक्टर के लिए, बिकॉज इन्होंने, मैंने इनको दो तीन दिन पहले मैंने इनको वॉइस नोट भी किया, मैंने कहा फहद आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कैरेक्टर जिस तरह का स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था उससे तुमने बहुत ज्यादा मतलब उसने इंसाफ किया और उसमें बल्कि मजीद और जान डाली, और बहुत कम, जितना मेरा जितना करियर रहा है उसमें मैंने बहुत कम ऐसे मेल एक्टर्स देखे हैं जो इतना इन्वॉल्व होते हैं अपने कैरेक्टर में कि मतलब उन्हें पता, उन्हें लाइक होता है कि अच्छा मेरा, मैं यहाँ पे सीन करूँगा तो इस सीन पे मैं जो एडिट पे म्यूजिक चल सकता है, इस सीन में ऐसा हो सकता है, मुझे इतना पॉज रखना है, इतना देना है, और कुछ चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से चेंज भी करवाई हैं और अच्छी चेंज करवाई हैं, जिसने लाइक ऐसा नहीं है कि ओ मेरा कैरेक्टर निकल के आए तो इसलिए चेंज कराई है, उसने स्क्रिप्ट में भी उस चीज़ ने बड़ा और जान डाली है। सो आई सेंट हिम अ मैसेज एज वेल इन पर्सन अप्रिशिएटिंग हिम। अब ये तो तीनों ने एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ को बताया कि ये ऐसे हैं ऐसे, जो अंदरूनी बातें हैं वो सिर्फ इसी तरह निकल सकती हैं आप लोगों के बारे में कि आप तीनों एक एक तरफ खड़े होंगे, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप लोगों ने 10 सेकंड के अंदर अपने बारे में जल्दी जवाब दें, रैपिड, ठीक है, अपने बारे में, हाँ अपने बारे में, मेरे बारे में नहीं ना, अच्छा एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में नहीं, अपने, रश्मा अपने बारे में बताइए, इन्वॉल्व हो गई फहद अपने बारे में, और कैसे, ठीक है हम खड़े हो जाए, इतने प्यारे सानिया मस्कतिया का जोड़ा है, तुम्हारा किसका जोड़ा है, मेहरीन क्या था, मेहरीन मस्कतिया, मेहरीन मिनास, मेहरीन मिनास, मैंने पीछे आपको टैग, मैं हूं अपना मस्कतिया, अब क्या है तेरा, कपड़े तो मुझे नमाया हो ना, इतनी मेहनत से तैयार हो के आए, ओके जी पहला सवाल, हां मेरे पैसे जिसने जिसको सबसे पहले जो सबसे पहले बता देगा ये चीज वो बजर बजाएगा, लेकिन बताने के लिए भी बजर पहले, अच्छा सो एक ही सवाल है बट तीनों में से किसी एक ने बजर बजाना है, किसी एक ने शुरू करना है, ठीक है ओके, कैसे जवाब तीनों ने देना है, ठीक है हाँ, लेकिन जो 10 सेकंड के अंदर अंदर दे देगा वो जीत जाएगा, ठीक है अब ऐसा करके बाद से शुरू कर लेते ना, अच्छा अगर 10 सेकंड के अंदर दे दिया जिसने भी वो, ओके ओके, मेरे पैसे उड़ाने की तीन जगह है, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल, एक दस सेकंड हुए, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग, चीटिंग कर रही है तीनों, दुकानों के तीन नाम ले रहे थे, दुकानों के नाम ले लो, मतलब लाइक बैग्स की दुकान, कपड़ों की दुकान, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ओके शॉपिंग मॉल में लिख तीन चीजें, ठीक है ओके, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट में एक ही जगह खड़ी रह सकती हूँ मैं, इन्होंने तीन लोग की मैं क्या करूँ, कोई मुझे तुम लोग मुझे देखे बगैर, अच्छा ठीक है आपको देखो, मुझे देखो तुम्हारा कैमरा इधर हो जाएगा, जी फाग पैसे उड़ाने की तीन जगह, तीन जगह मुझे कपड़े सबसे पहले, उसके बाद सप्लीमेंट्स पे, और बस ज्यादा सप्लीमेंट्स पे ही ज्यादा मेरे पहले, हाँ घड़ियां, घड़ियां बजा दो, 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड में इसने कवर कर लिया, तुम थोड़ी पीछे रह गई थी, ठीक है दूसरा मौका, पीछे रह गई, आई थिंक सबसे पहले तो मेरे सबसे ज्यादा बजाओ पहले, सबसे ज्यादा खर्च होता है जानवरों पे, because I really like animals, तो मैं उनके ऊपर जितना भी ये बात हो रही थी मेरे घर पे की अपने सारी सेविंग्स में जाती है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, ओ सॉरी, और एक बात जीत गया, और छोटी बहन पे होते हैं ज्यादा, कोई शूट पे भी हमारे एक पेट था और ना बहुत प्यार करती था, तो वो इसी तरह हर पेट को कहीं पे भी देखेगी वो लेके जाएगी, अगर वो बीमार है तो ये बहुत ज्यादा जानवरों पे सड़क से पकड़ लेती है, सड़क पकड़ लेती है, हाथ भी नहीं, और लोग कॉल करते हैं तो वहाँ पे, और बस अपने थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह, अच्छा सही, ओके जी नेक्स्ट सवाल मैं किंदा से सबसे पहले पूछूंगी, ठीक है क्योंकि हर किसी को चेंज करो, 10 सेकंड पहले ही सुन ले जवाब, ओके मेरे मेकअप की तीन चीजें जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं मुमकिन, लिप टिंट, मस्कारा और बेस, कितने सेकंड हुए 12 सेकंड में चलो चलो लेट हो गए, ओके अच्छा पीछे वाला टाइमर लगा के बैठे हो, वाह और क्या और क्या अच्छा लिप टिंट मस्कारा और बेस, बेस हाँ नहीं लेकिन अगर कभी मुझे लगता है तुम आमतौर पे बेस कहाँ नहीं लगाती, हाँ तो इसलिए तो सोच रही थी लोशन, ठीक है ओके जी अब 10 सेकंड में आपसे तो नहीं मैं मेकअप करता हूं, नहीं करते हैं बकायदा अलग से किट आती है, मैं कहती हूं कि इसको हम सबसे ज्यादा अच्छा करना आता है,
मेरी कुछ मसले हैं, आपको पिछली बार भी मैंने बताए थे, तो मेरे कट्स हैं कुछ, हाँ. तो मुझे मस्कारा चाहिए होता है, आईब्रो वाला टेंट, हाँ. थोड़े से बाल कम है तो टॉपिक चाहिए होता, हाँ. है और लबेलो भी होती है. लबेलो, हाँ, लबेलो, ये बजा दो, दस सेकंड में दे दिया है. थैंक यू. दस क्या, कितने ऊपर हुए? बेसिकली हमें मैच तब होगा ना जब हम में से कौन सबसे पहले आंसर देगा. नहीं नहीं नहीं, कैसे? वो सिर्फ टाइमिंग का. चलो ठीक, टाइमिंग का खेल. हां भाई यशमा. अच्छा टॉपिक लिबेलो क्या है? लिबेलो लिप बाम है. अच्छा मैंने तो पता नहीं लिबेलो लिबेलो, वो तो उसके बगैर सीन नहीं है. जो अंग्रेजी दोनों बहुत ज्यादा यूज करते हैं. हां अच्छा ड्राई है उसकी वजह से. चलो भाई तुम्हारी 10 सेकंड शुरू. लिप्टन, मस्कारा एंड लिबेलो. अच्छा इसके पास तो पूरा दिन था ये आंसर इकट्ठा करने के लिए. तो भाई अब मुझे पता चल गया ना. भाई कह रही ना, अब इससे शुरू करूं. चलो अगला सवाल, बारी बारी. ओके अभी तक किसी ने 10 सेकंड में जिसने आंसर दिया है वो ये है और फहद, दो दो पॉइंट्स हैं. ओके तीन लोग जिनसे बात किए बिना मेरा गुजारा ही मुमकिन नहीं. मैं, शाहिद भाई मेरे असिस्टेंट, अरीजा मेरी स्टाइलिस्ट और मेरी छोटी बहन. चार लोग हो गए ना? तीन लोग. ये तो 10 सेकंड के अंदर भी. फहद मेरा बेटा, मेरी बीवी और क्या नाम है जो एडी होता है. मतलब कि उससे बात किए बगैर आपका दिन नहीं गुजरता. क्योंकि उससे दोस्ती रखते तो कहते हैं भाई आप आराम से आ जाइएगा. गुड. अच्छा ये देख लो जरा, आराम से चले जाइएगा. आराम से डेट्स भी मैनेज कर देता होगा. ये बहुत फायदा होता है. प्यार तो करती है मुझसे. हाँ तो अभी किस किस ने 10 सेकंड में? तीनों ने 10 सेकंड में, तीनों के पास पॉइंट्स के, लेकिन ये दोनों अभी ज्यादा आगे जा रहे हैं. ओके फहद आपसे पहला सवाल. हाँ एक्टिंग के अलावा घर या बाहर का कौन से ऐसे तीन काम है जो दिल से करता है फहद? जिम करता हूँ दिल से. ठीक है, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है तो गाड़ियों के काम दिल से करता हूँ. और आजकल मैं यूट्यूब बहुत देखता हूँ. घर के अलावा मुझे सवाल दोबारा से चाहिए. अच्छा, एक मिनट दोबारा से हम फिर शुरू करेंगे. एक्टिंग के अलावा घर या बाहर का कौन सा ऐसा काम है जो तुम दिल से करती हो? तीन काम. किचन का काम जो खाना पकाने वाला होता है, और ड्राइविंग, और अपने जो वार्डरोब है उसको ऑर्गेनाइज करके रखना. बचत हो गई. सलीका शौर लड़की. 6 सेकंड 7 सेकंड. यशमा जी, जिम, एनिमल रेस्क्यू एंड ड्राइविंग. ये कितने सेकंड है? 1.5 सेकंड. क्या इसको तो लिख के दिए थे आंसर, कल से लेकर आइए घर से. 1.5 सेकंड. तुम लोग नजर ना लगाना मुझे. भाई ये पॉइंट तो मैं यशमा को दे रही हूं. ये पॉइंट मैं यशमा को दे रही हूं. 1.5 सेकंड. जी जी, थैंक यू. हां जी. ओके अच्छा अब तुमसे शुरू कर रहे हैं हम अगला सवाल. तीन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस मुझे जिनके साथ लाइक अपना कपल जो है या पेयरिंग अच्छी लगती है या मेरा दिल है उनके साथ काम करने. तुम्हारे साथ कोई ऐसे तीन एक्टर्स और आपके साथ तीन एक्ट्रेसेस, इस तरह का सवाल है. ओके ओके. कोई जिनके साथ अभी काम नहीं किया या दिल तुम्हारा है कि मैं इनके साथ बार दोबारा काम करूं या मैं करना चाहती हूं. रेडी गेट सेट. बिलाल अब्बास, आहद रजा मीर और फिरोज ही रह गए. फिरोज, हां. ओके कितने सेकंड है? 6 सेकंड में जवाब दिया. ओके जी यशमा. यमुना जैदी, उष्णा शाह एंड फिरोज. बचपन से नाम ये याद कर रहा हूँ, उष्णा सजल. उष्णा सजल सोनिया से. चलो भाई अगले ड्रामे में उनके साथ कास्ट किया जाए फहद को. ओके अब सबसे पहले यशमा तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है?
वो तीन खाने जिसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है. ओके, आलू कीमा, बिरयानी एंड आलू गोश्त. कितने में? 2 सेकंड लिया आपने. oh. भाई क्या बात है. जी पूछे बताएं. पास्ता बिरयानी और दाल चावल. पास्ता बिरयानी कितने सेकंड? 1.5 सेकंड ना. बिरयानी अली ब्रोस्ट. 1 सेकंड. आधा सेकंड. थैंक यू. बिरयानी अली ब्रोस्ट. ब्रोस्ट वो भी भाई. पब्लिक को क्लियर हो रहे हैं इनके जवाब सेकंड के चक्कर में. आपने आपने अब थमे छोड़ दिया. मैं रेडी है. नहीं मैं 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 चाह रही हूं. ये हैम्पर कहां है जो मुझे मिल रहा है? तुम्हें ये बोर्ड मिलेगा, घर जाके लगा ले जाओ. हाँ ये बोर्ड मुझे दे दे. ये बोर्ड आप घर ले जाएगा और यहाँ जो जीतेगा उसका ड्रामे का सीन आप लोग ज्यादा गौर से देखेंगे. ये एंड इनाम. ओके अब सबसे पहले मैं किससे? आपसे सवाल. अच्छा, हाँ. बचपन में अम्मी से मार खाने की कोई भी 3 रीजंस. गुड़िया उड़ाना, खाना ना खाना और लड़ना. खाना ना खाना. हाँ, खाना नहीं खाता था. लड़ना. ठीक है. 1.5 सेकंड. 2 सेकंड में आपने जवाब दे दिया. जल्दी. पढ़ाई, खाना और लेट सोना. तीनों. पढ़ाई, खाना और लेट सोना. 3 सेकंड. 3. 1.5 सेकंड. हाँ चलो यशमा तुम शुरू करो. शुरू. पैसे जमा नहीं करना, साइकिलिंग बहुत ज्यादा करना और अब्बू की बात नहीं सुनना. ये 3 है. ये तो 3 थे. ये 3 थे. हाँ सही थे. आप जीत गई. बचपन में आपको लाड से पुकारने वाले 3 नाम. मामा, मामू और खाला. जो बुलाते थे प्यार से उसने. मामू. अच्छा नहीं जो. अच्छा ओके. मुझे बुलाने वाले नाम. थैंक यू. तुम्हारे निकनेम्स बचपन में प्यार से? लड्डू, किंजू, मुन्ना और सोनम. किंजा क्या? किंजू. किंजू, सोनम और वो मुन्ना. गलत बताया तुमने. नहीं सोनम. 2 सेकंड. इसमें मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा. तीनों अलग. इस चक्कर में ना आपके सारी बातें निकल आती हैं. मैं इसमें कैसे झूठ. ये तो वो हो गया. हां चले मिस हो गई ना. खत्म खत्म. अब तुम्हारी बारी. 2 सेकंड में बताएं. चलो यशमा. हनी, वाईजी एंड यश. क्या? हनी, वाईजी एंड यश. वाईजी. यशमा गिल, वाईजी. तुमने भी 2 सेकंड बताया. अच्छा भाई जी क्यों? यशमा गिल तो भाई जी. ओह माय गॉड. भाई जी यो यो हनी सिंह. कीकू. कीकू शेख. आदा से कीकू. मेरा पेट नेम. मुझे सारे घर में कीकू बोलते हैं. कीकू. कीकू शेख. और शेख मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं. 1 सेकंड में बताया लेकिन मुझे अभी तुम्हारा हजम नहीं हुए. तुम इधर बैठ जाओ. क्योंकि वो एक ही नाम लेते हैं ना सारे. हाँ. और शेख मुझे सारे बोलते. शेख. शेख. तो 3 बताने थे. तो 2 है ना. कीकू 2 बार करती है. कभी किसी ने नहीं कहा मुन्ना. और नया कह रहे कीकू 2 दफा कर दिया. ये क्या बात. बचपन से ही नहीं लगता था. 3 अलग नाम था. उसने हमने नया नाम दिया था इसे. सिम्बा. हाँ सिम्बा. वो अभी आजकल ACL में दिया था. अच्छा. फैडी नहीं बोला तुम्हें कभी किसी ने? फैडी. अच्छा अब तुमसे शुरू करें. यशमा से करें ना. यशमा की बारी. ओके. 3 चीजें जो घर से निकलते हुए खास तौर पे तुम्हारे पास होती. मेरा फोन. हाँ. मेरा वॉलेट और शाहिद भाई. लिफ्ट इंट भूल गई है लेकिन ठीक है. शाहिद भाई के पास हो. शाहिद भाई. इंटरेस्टिंग चीज. शाहिद भाई की तरह. तो शाहिद भाई तुम्हारे घर पे ही रहते हैं? नहीं वो शूट के लिए आते हैं रोज. तो वो तुम बाहर से आते हैं ना. मेरे घर से निकलने के बाद बोलने के साथ निकलती हूं. गलत हो गया. बिल्कुल सही. गलत हो गया. कितने सेकंड हुए? 3 सेकंड में जवाब आया. चलो भाई बात बताओ. कौन सी 3 चीजें? 3 चीजें जो घर से निकलते हुए तुम्हारे साथ. नेट की डिवाइस, फोन और बैग. मेरा फोन, बैग और नेट की डिवाइस. कितनी कितने सेकंड? 1 सेकंड. तुम कौन? 2 सेकंड. गिनने वाले 2 सेकंड. दो सेकंड. चलो भाई किंजा 1 सेकंड में. किंजा का टाइम शुरू. फोन, गाड़ी के पैसे. गाड़ी पैसे. दो पैसे. डबल बता दी. गाड़ी के पैसे. हाँ तो जल्दी जल्दी करना है ना बस. समझ जाए. ओके अब किसकी बारी? फहद की बारी आई. हाँ हेलो. मेरी बारी क्या? चल सबकी. हाँ ओके फहद की बारी है. 3 सेलिब्रिटीज जिनका सोशल मीडिया अकाउंट मैं जरूर मतलब स्टॉक करता हूँ या फॉलो करता हूँ. फहद मुस्वा, यशमा और किंजा. कितने सेकंड? 1 सेकंड. 1 सेकंड में बता देते हैं क्या कैसे जवाब में. किंजा तुम्हारी. सबूर फहद सारा. आधा सेकंड. आधा वाला तेरी बारी है. वाह बेटा इसका भी एक हुआ. मैं तो सुनो लेकिन तुम अकाउंट फॉलो ही नहीं करेगा. तुम शुरू करना जो बात है. चेक कर रहे हैं सुपरस्टार कि मैं फॉलो ही नहीं करती. तीन अकाउंट स्टॉक कह रही है. वो स्टॉक कर रही है. किसको स्टॉक? तो तुम अभी कर रही थी पता नहीं किसको. तुम बता दो मैं किसको कर रही हूं. अभी की देख रही थी. ये देखो ये अच्छी नहीं लग रही. रेडी गेट सेट. हां गो.
ये मैं हारूंगी क्योंकि मैं हार गई हूं, तो हार गई हूं मैं। प्रियंका चोपड़ा को जरूर देखती हूं। हां ठीक है। और उसके अलावा आजकल तो वैसे तुम दोनों को देखती हूं, कुछ हमारा ड्रामा भी चल रहा है, तो किंजा और फहद ठीक है। हां ब्लॉक कर लेते हैं कि ये रोक कर दिया भाई। दोनों लड़कियां मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो हमारा विनर है वो फहद है। ये और हम बहुत सारी बातें भी हमने जान ली और सबने बराबर बराबर टाइम लिया तो ये एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि ये तीनों जो है ना बड़ी मुश्किल से हाथ में आते हैं, ये मतलब फोन करते रह जाओ मिलते नहीं इंटरव्यू के लिए, लेकिन आज ये खास तौर पे आप लोगों के सामने अपने फैंस के सामने इसलिए आए क्योंकि इनका ड्रामा शुरू हुआ है 19 मई से, जिसका नाम है आजमाइश। दो एपिसोड्स ऑलरेडी ऑन हो चुके हैं और आज तीसरा चौथा डबल एपिसोड आप रात 8 से 10 देख सकेंगे सिर्फ ARY डिजिटल पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आसमान के नीचे रहती थी, उसके सर पे छत आ गई। इस घर की छत हमारे लिए तहफ्फुज़ है, लेकिन नहीं, उसे तो आप इस घर की मालकिन बनना है। खुश करते करते भूल गई हूँ कि मेरी अपनी बेटी की खुशी सिर्फ मुझसे। अब देखती हूँ मैं कि मॉम की यकीन की मंजिल उनके हाथ से कैसे नहीं छूटती। मान लेके भाग गई आपकी बेटी किसी के साथ, कुछ पे रहम करो। तो अपनी बेटी को मेरी बेटियों के बराबर लाके बिठाना चाहती हूँ, अपने औकात भूल गई हो। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। जस्ट बिकॉज वो लड़की है गरीब आदमी की बेटी, उससे आप लोग नफरत करेंगे। कब तक कैसे जिएंगे? आजमाइश इसी को कहते हैं जिसमें तुम और मैं डाल दिए गए। ए हो लिखी सी सजा मेरी। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ये तीनों हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, बासित, निम्रा एंड शिजा, ये इनके ड्रामों के नाम है। आप सोच रहे हैं कौन से एक्टर हैं, तक इनके नाम ले रही हूँ। तो जी ये जो ड्रामा आजमाइश आप आज रात को जिसके थर्ड और फोर्थ एपिसोड देखेंगे 8 से 10, ये तीनों उसमें कैरेक्टर ये इस नाम के प्ले कर रहे हैं। और शूटिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कोई चीज़ किसी में, मतलब कोई बंदा किसी चीज़ में ज़्यादा होता है, कोई बंदा किसी चीज़ में आगे होता है। तो वही सवाल मैं आपसे करूँगी, अगर आपको लगेगा मैं ये कहूँगी कि कौन ज़्यादा सोतू होता है सेट पे, तो उसका जवाब आप बेल बजा के, घंटी बजा के देंगे। ठीक है, ओके। पहला सवाल, घंटी तो नहीं बज रही, अच्छा बज रही। सेट से आप लोगों को ये अंदाजा हुआ होगा कि आप तीनों में से कौन अपना फेवरेट ज्यादा है, सेल्फ ऑब्सेस्ड, ज्यादा फेवरेट। मैं अपनी फेवरेट हूं ना, या अच्छा फहद खुद कह रहे हैं कि फहद ज्यादा है, और ये तीनों लड़कियां भी दोनों हाँ। लड़कियां तीनों नहीं, दोनों यशमा और किंजा भी कह रही हैं। ये क्या करते हैं, शीशे में खड़े हो जाते हैं ये ड्रामा? नहीं, तो बस अपनी तारीफें करता रहता है, शीशा भी इतना नहीं देखता। अच्छा। लेकिन अपनी तारीफें करता रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं, तुम लोग क्या लग रहे हो, मैं सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। अगर लड़कियों से मैच डाल लो तो ड्रामा, माय गॉड, इतना ड्रामा तो बातचीत कहे तुम लड़कियां। अच्छा ऑब्वियसली ड्रामा है, दोनों का अपने आप को खुश, हीरो भी मैं ही अकेला हूं, अपने आप को खुश ना करो कि मैं ही हूं। तो दो हो ना ड्रामा में, मैं अकेला लड़का। आज भी इन्हें मैं टॉर्चर कर रहा हूं, सुबह देख लो ना सीन लगे। अच्छा ओके, अब मुझे पता चला। ओके नेक्स्ट सवाल, कौन है जो तीनों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात दिल पे लगा लेता है, डिप्रेस हो जाता है? ये सेट छोड़ के जा चुकी है दो दफा। ये तीनों कितने मुत्तफिक है, यानी यशमा, तीनों ने, यशमा ने खुद अपनी घंटी बजाई है। वो है, वो ऐसी है यशमा है। दो दफा सेट छोड़ के गई है, छोटी छोटी दिल पे ले ली, जैसे खाना नहीं अच्छा आया, जैसे एक ड्रेस पहनने से मना किया, नहीं मुझे यही कपड़े पहनने, डांट पड़ गई थी मुझे तो, मुझे ना लाइक मुझे जब रोना, एक दफा बाजार ने डांट दिया उस पर भी रोना बचा। मैंने कहा मुझे रोना आता ना, तो मैंने कहा सबके सामने नहीं रोना, मैंने कहा मैं घर जाके रोऊंगी, सबके सामने नहीं रोना, चलो अल्लाह। फिर वो इतने सीन नहीं थे तो अच्छा। मतलब देख के जाती है कि अच्छा काम नहीं, इतना तो बात एक सीन रहता है, चलो ठीक है मैं जा रही हूं। बस अब कौन है जिसकी पर्सनालिटी ड्रामे का, जो तुम लोगों का कैरेक्टर है बासित, शिजा और निम्रा का, उससे करीब करीब है, मिलती जुलती है? करीब करीब ओहो बदतमीज़ आ गई। हाँ हाँ
अच्छा चलो अल्लाह किस्म का कॉन्फिडेंट है और ये चीजें मैं बासित नहीं हूँ बिल्कुल जुलती है मैंने ये थोड़ी कहा कि बिल्कुल ही वैसी है कॉन्फिडेंट हाँ यू थिंक कॉन्फिडेंट चलो आई विल स्टार्ट बिलीविंग दिस देन कॉन्फिडेंट हाँ क्योंकि नेगेटिविटी के अलावा उसमें और भी तो गुण है ना गुण ही होता है ना उर्दू में ड्रेसिंग सेंस भी तकरीबन मिलती जुलती है कपड़े भी ऐसे अच्छा हाँ, तो तुमने क्या लगा मैं कह ये मार खाएगा आज मुझसे नहीं मेरा सवाल था थोड़ी बहुत मिलती जुलती है लाइक थोड़ा 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 सी मिलती जुलती है ओके तो यशमा हाँ अच्छा कौन है जो सेट का तुम तीनों में मैं सेट में और कोई नहीं पूछ रही सेट का थोड़ा बीबीसी है जिसके पास इंडस्ट्री की हर खबर है पता है क्या हुआ अरे पता है थोड़ा बीबीसी नहीं नहीं मेरे पास थोड़ी खबरें भाई मेरा आंसर है मैं दूंगा थोड़ी सी खबरें ज्यादा मतलब होती मुकाबले में पता होता है पता होता है ना क्या, क्या चल रहा है इंडस्ट्री का हाँ फॉर एग्जाम्पल किसी का बच्चा होने वाला है हो गया वो तो तुम्हें पता होता है बच्चों का तो तुम बच्चों का इसको इसको ज्यादा पता होता है ये थोड़ी नहीं गाड़ लेके जाओ गाड़ी में लटका के अब मैं पकड़ो फिर मैं बांध नहीं सकती बात खैर है ये इसकी है इसको पकड़ ले यूं मार दीजा कैंटी में ऐसे कर पोज कर रहे तुम इसके साथ सुनो तुम इसको पकड़ पकड़ के नहीं खींचो तुम यहाँ से अच्छा हाँ ये है ये पकड़ पकड़ के खींचो ओके हाँ अच्छा कौन है जिसके पास लेट आने का हर बार एक बहाना एक रीजन होता है कौन है यशवा मुझे बता मैं क्या करूं तुम दोनों जो गैंगअप कर रहे हो ना ये मैं बताती हूं क्या नाराज हो रही मैं अगर मेकअप करवा रही हूं तो मेकअप आर्टिस्ट को एक कॉल आता है जो कि इसका होता है और ये पूछती है कि ये लोग तैयार हो गए कितना टाइम लगता है तुम्हें कि कितने टाइम बाद मेरा सीन होगा क्योंकि मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ बाकी सारे जो मेकअप हैं वो मेकअप आर्टिस्ट से कराते हैं और बाल मेरे बनने नहीं होते बाल मेरे स्ट्रेट ही हैं खुद भी वो स्ट्रेट ही ड्रामे तो मैं कहती हूँ मुझे प्लीज टाइम पे बुला लिया करो तो ये पूछ के आती है नहीं लेकिन जब अगर ये लेट पहुँचती है लेट तो नहीं पहुंचती लेट नहीं मतलब पूछ के आती है कि कितना टाइम लगेगा उसको पता होता है कि इतने बजे मेरा सीन शुरू होगा तो इतने बजे आऊंगा ओके ओके यशमा ज्यादातर जवाब तुम ही आ रही हो I'm the star of the show right now. Oh my God. तो वो self obsessed वाला इधर कर दो ना जवाब. ये सीख गई है. हाँ तो सीख गई है. हाँ जी. कौन है जो मतलब छोटे से मसले होते हैं लेकिन वो उसको लगता है कि बड़े मसले होगा और सबको बता रहा होता है. हाँ ये हुआ मेरे साथ. ये तो मैं. यार ये वाली तो मैं ही हूँ. अब तो मुझे पहले से पूछना पड़ा. ये वाली के भाई हूँ. ये सारे सवाल मुझ पे हैं. मुझे हो रहा है मैं जिसमें मैं कर दूँ. तू ही है मैं क्या करूँ. नहीं इसने जब बात ना की ये तो मैं ही हूँ फिर मैंने कहा ओके ठीक है ये वाली तो मैं. ये खुद ही मान गई वो. अच्छा और मतलब लाइक अगर होता है ना मसले किसी के ये मसले होते हैं यार पूरी रात लाइट नहीं थी घर में यार ये टैंक पानी नहीं आ रहा टैंकर वाला नहीं आ रहा ये छोटे छोटे मसले इस तरह नहीं है ऐसे कोई नहीं होता नहीं। यार मेरी मेड भाग गई आज घर की आई नहीं मेड लॉकडाउन की वजह से क्या क्या सॉर्टेड लोग हैं ये सॉर्टेड है टेंशन नहीं तो मैं इस तरह के कोई क्योंकि तुम तुम्हारी फैमिली उधर है तुम यहाँ अकेली रहती हो तुम्हारी भी फैमिली शायद ऑस्ट्रेलिया में नहीं नहीं फैमिली फैमिली इधर ही है मैं अकेला और आप भी अकेले रहते तो ये वाले तो मसले होते हैं कभी कभार टैंक में पानी नहीं आ रहा नल में पानी नहीं आ रहा ये छोटे छोटे मसले जो होते हैं इनको लेके जिंदगी में चलते हैं आप टेंशन ही लेते हैं वरना काम पे बहुत फर्क पड़ता है आपका मूड खराब हो जाता है आई नो कि अब खराब नहीं हो भी तो कभी किसी ने बात नहीं की हां ये वाले मसले डिस्कस नहीं किया ये वाला डिस्कस नहीं किया अगर ये सेट पे आते हैं ना तो ये लोग आपस के कोई दुखड़े वगैरह कोई नहीं रोता अच्छा हंसी मजाक शुगर सीन यही चलता है ये तुम लोग पहली दफा भी एक साथ काम करो ना क्योंकि बहुत सारे लोग जो शोबिज में जो एक साथ ज्यादा काम कर चुके वो कहते हैं यार वो देखो क्या हो गया वो फिर हम सुन रहे होते हैं कैसी बातें कर रहे हैं नहीं उसकी वजह ये है कि फिर तुम लोग सबसे ज्यादा आपस में ही मिल रहे होते हो ना टाइम नहीं होता रिश्तेदारों के पास जाओ हम लोग का बॉन्ड वैसे काफी अच्छा है सबका सेट पे हम बातें कर लेते हैं लेकिन ये वाली बातें है ही नहीं शायद इसलिए नहीं करते वरना बहुत सहेली है हां मैं इन लोगों की सहेली भी हूं अच्छा ये बॉय नहीं है ये हमारे साथ हमारी सहेली है मैं इसको ये बॉय नहीं है सहेली नहीं बहुत अच्छी चीज है कि एक वाइब्स जिसके साथ आप काम करो अच्छी वाइब्स आती हैं वरना अब वो उसने कंफर्टेबल रखा हुआ है इसलिए वाइब्स इस तरह की आती है कि हम लोग इजी रहते हैं इसके साथ सेट पे वरना अमूमन यही होता है कि आप नहीं करते इतना मेल एक्टर्स के साथ हंसी मजाक नहीं करते थोड़ा सा अपना ही काम से काम रखते हैं तो ये बहुत लड़कियां एक चीज स्मेल भी कर जाती है कि लाइक वो जो सामने वाला है वो फ्लर्ट तो नहीं कर रहा वो कोई इस तरह की चीज तो नहीं कर रहा तो फिर लड़कियां फिर कंफर्टेबल हो जाती है कि भाई ये तो शरीफ बन रहा है
नहीं फहद, हाँ हाँ मैं तो मैं बोल दिया आप शरीफ बनते हैं। ओके, कौन है जो अपना खाना छोड़ के दूसरों के खाने पे नजर? यार आप यार क्या क्या करूं क्या करूं क्या करूं ये भी मैं अच्छा, के सवाल अपना एंड पे खाती है। हाँ, पहले वो हाँ, खोल लेती है कि मैं हूँ, मैं लेकर आई हूँ, ये नहीं है अपना लेकर आती नहीं, कभी कभी वो गर्म ही हो रहा होता है। हाँ, वो गर्म ही हो रहा है, वो गर्म ही हो रहा होता है, अपना खा पी के उसके बाद उसका आता है कि जब आप देखते हो तो आप कहते नहीं यार, लेकिन रिफ्रेशमेंट कितनी दफा गलत आ जाती है। शायद भी आप खा ली, मैं कल से भी डाइट शुरू करूँ। मैं मंगवाती कोई सूप, वो आता कोई सूप, मैं कहती हूँ अब फजर आपका खाना खाए। फहद तुम्हारी सूप की भी एक स्टोरी है कि एक टाइम आया कि इन सबको सूप पीने का बहुत शौक, सर्दियां थी ना, कौन सा सूप लाइक कोई भी बस कोई एक तरह का था और ये लोग सब वही वाला मंगवा रहे थे और वो कोई और लेके आ रहा था, तो वो सूप की लाइन लग गई पूरे सेट के। एक का गलत आया, वो कह रहे आप पी ले, मैं अपना नया मंगवा रहा हूँ, तो वो सूप ही सूप हो गया सेट के ऊपर, कि सबको एक जैसा चाहिए था और वो नहीं आया उस दिन। लिखते जाते हैं सीन्स और इस तरह। अच्छा, कोई कोई ऐसी चीज, कोई मेमोरेबल हुई हो इंसिडेंट, कोई शूटिंग के दौरान कोई ऐसा? मेरी और किंजा ने कुत्ता गाड़ी के अंदर पकड़ा था, एक तो वो भी हुआ था, और तीसरे दिन मेरा जो ये शोल्डर है ये डिसलोकेट हो गया और मैं पूरी रात हॉस्पिटल में थी शूटिंग के तीसरे दिन। जी, और वो जो आपने सीन देखा है जिसमें ये मुझे खींचते हुए लेके जा रही हैं, हाँ, फल जो है माशाल्लाह जिम कर करके मेरी बहन ने अपनी इतनी डोले बना ली है, शोल्डर भी बना ली है, और मैं इसको बोल रही थी कि मैं जैसी दिख रही हूँ, तीसरा दिन था, और मैं इसको कह रही हूँ कि मेरे में इतनी नहीं है, आहिस्ता पकड़ो उसको। मुझे हर सीन में बोले कि सुनो तुम ना थप्पड़ भी नहीं मार सकती हो, तुम ना घसीट धक्का भी नहीं दे सकती हो। उसके बाद अब वो जब ये हो गया, करूंगी मैं कुछ भी नहीं हो गया उसके बाद, और वो मेरा डिसलोकेट हो गया, हॉस्पिटल गई रो रो के बुरा हशर, और फजर और ये सब लोग वहाँ पे, और फिर उसके बाद खैर ठीक हो गया वो। उसके बाद मैं इतना डरी हूँ शूट पे, मैंने कहा नहीं ना तुम यहाँ से पकड़ोगी, ना तुम्हें जो भी वाइल्ड ख्यालात आ रहे हैं तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। और इतना मुश्किल था फिर लाइक एक्टिंग करना मेरे लिए भी, हर सीन में ना मोस्टली फिर मैंने उस पर किंजा को चीट किया, मैं भी डर गई, मैंने कहा ये सच में बहुत नाजुक है, क्योंकि पहली दफा मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हालांकि इतने मैंने जोर से दिया भी नहीं था, मैंने उसको पीछे से मैं बोल रही हूँ किंजा मैं तुम्हारा यूं करके धक्का मारूंगी, तुम खुजा की दीवार को लग जाना। वो ना तीन चार मुझे पता है तीन चार दफा वो हुआ, मैं ऊपर चले सीन देखे, मैंने कहा नेक्स्ट सीन तो मुझे एडी कह रहे हैं वो तो किंजा हॉस्पिटल चले गई है, उनका ना बाजू में दर्द हो गई है, मैं इतनी मैंने कहा यार मतलब सच में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी कह रहे हैं यार कैसे शूट कर रहे हैं आप, मेरा अलहदा कर ले एक शो मेरे पास ही बात हो गया, मेरे मेरे बारे में इनसिक्योरिटी हो जाती है इसको। मैं कल आता हूं, कल आता सेगमेंट, इस सेगमेंट में तो जो है यशमा के बारे में ज्यादा नहीं नहीं यशमा स्वीट हार्ट, यशमा स्वीट हार्ट। ओके, अगला सवाल, कौन है जिसके पास हर मसले का हल है? पेट खराब हो गया यार, अच्छा वो आप ऐसा करें, ये कर ले, ये कर ले, कोई टोटके या कोई ऐसे? हाँ, फहद के पास ये सेट की जबैदा आप आई हैं, मेरे टूटे हुए घुटने के लिए इसने इतने अलग अलग मरहम मंगवा के दिए हैं मुझे, बालों के खराब होने के लिए भी तेल मंगवा के दिए हैं, और कोई नई चीज भी खाने पीने की ट्राई करवानी होती है ना तो फहद मंगवाता है, और फिर सब बैठ के खाते हैं, टाइम आता है, और एक चाय बिस्किट का एक टाइम है जो स्पेशल बिस्किट्स आते हैं इन लोगों के, और चाय आती है पठान की, बिस्किट भी वहीं से आते हैं, तो वो रोजाना सेट पे सेशन होता है सबका, पूरे सेट के लिए वो चाय बिस्किट आते हैं और वो सब बैठ के एंजॉय करते हैं। अच्छा, क्योंकि लड़की है, लड़कियों को ज्यादा नहीं, अभी हमारा केस हुआ था किंजा की की गुम गई थी, हाँ, जैसे आप कह रही थी ना छोटे मसले हो जाते, वो चाबी गुम गई, शूट पे भी आ रही है, तो वो ऐसे मसले हो जाते हैं वहाँ पे, लड़के ही इसने वो करवा दिया, चाबी कैसे मिली? हाँ वो मिली नहीं, इसने फिर मुझे कहा कि इसके कहीं से बनवा लो, अच्छा तो नंबर वंबर दिया, उससे बात की, बनवा के दी, पर लड़की है ना लड़कियों को पैसे डबल बताए जाते हैं, ट्रिपल बताए जाते हैं, तो उसने कम में बनवा के दी मुझे। अच्छा, वो ये वाली है तो इसलिए मैं हूँ आपा आपा। ओके, अच्छा कौन डायरेक्टर का, जरा आप लोगों को तीनों को लगता है कि भाई ये उसका होता है ना, आपको लग रहा होता है माँ का फेवरेट वो है ये है, फहद है। हाँ। लड़की लड़की दोस्ती भी आपस में हो जाती है ना, नहीं वैसे मुझसे डायरेक्टर जो है वो प्यार करते हैं,
की लड़कियों से ज्यादा दोस्ती नहीं, फजर वो वाला नहीं है जो लड़कियों से दोस्ती करे, बिल्कुल भी वो नहीं। फजर अक्सर डायरेक्टर जो है वो लड़कियों को ज्यादा जो है वो दे रहे होते हैं ना, मतलब रूम दे रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए शूट वाइज के अगर कोई सीन शूट करना है तो फजर के लिए सब एक जैसे, सब एक जैसे, अच्छा सब एक जैसे हैं। वैसे लेकिन अगर दोस्ती की बात हो, बातें करनी है, बैठना है, तो ज्यादा टाइम वो स्पेंड लड़का के साथ करते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो थोड़ा मिलती भी है उसकी मेरी बातें। अच्छा ओके। अच्छा जी, कौन है जो मेकअप पे थोड़ा ज्यादा वक्त लगाता है, कोई या मेकअप कॉन्शियस ज्यादा है? मेरे बाल नहीं सही आ रहे हैं, कोई यार स्किन बहुत, स्किन को लेके तुम थोड़ा कॉन्शियस रहते हो? हां स्किन को लेके, तुम्हारी इतनी अच्छी स्किन है फिर इसलिए कॉन्शियस हो। तो मैं अपना आप, क्योंकि ये भी है मुझे, मेरे बस में काफी है जो छुपाने होते हैं, तो मैं उस चक्कर में जो बकरे मैं अपना अपनी घंटी खुद बजा नहीं, मेरे मसले हैं जो बालों पे तुम टाइम लगाते हो, बाल तुम्हें हर सीन पे एक दो कट है जो। तो किंजा को क्या मसले होते हैं स्किन के? मुझे कुछ मसले नहीं होते, मैं पहले बताया था कि मैं सिर्फ साबुन से मुंह धोती हूँ, किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन फिर उसके बाद मैं एक दिन गई और मैंने जाके प्रोडक्ट्स खरीदे और मैंने कहा कि अब सब लगाते हैं तो मैं भी लगाऊंगी, और फिर अगर अच्छे हुए तो फिर मैं कोई वीडियो वगैरह बनाऊंगी, सबको बताऊंगी। फिर मैंने यूज किया, उसके बाद मेरी स्किन शुरू हो गया काम, शुरू हो गई। हाँ। मतलब मैं मेकअप लगाती थी तो मेकअप गिर जाता था नीचे। ओह माय गॉड। थोड़ी देर बाद ऐसे वो नहीं होता पूरे रफ रफ हो गया, आधी आधी स्किन मेरी उतरना शुरू हो गई, और इन्होंने देखा मेरी स्किन का जो बुरा हशर था और उसी में मैंने शूट करवाई है। लेकिन थैंक्स टू द डीओपी के एक चीज पता नहीं चल रही कि मेरे स्किन क्या हुआ था। यस, तो वो मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी उन दिनों में, तो वो लोग मेरे उसके लिए पोली वगैरह चीजें कर रहे थे, तो फजर ने इतने अच्छे से शूट किया कि नहीं हुआ, पता नहीं चला। तो तुम्हारी ड्राई स्किन है क्या? मेरी ड्राई थी, लेकिन वो जो मैंने प्रोडक्ट्स लगाए उसके बाद वो मेरी स्किन की ऑयल ही निकाल दिया उन्होंने पूरा स्किन से, तो वो उसके बाद वो हुआ, फिर एक्नी इशू हो गया, फिर उसके बाद अब आके फिर दोबारा मैं साबुन पे आ गई। पहली दफा मैंने सुना है। साबुन कौन सा वाला यार? कोई भी, कोई भी, कोई भी, मतलब ये चीजें इतनी ज्यादा आपके फेस को डैमेज करती हैं। एक दो दफा आप अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रोजाना उसी से फेस वॉश या कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं तो वो स्किन तबाह कर देती है। आई थिंक तुमने लाइक कोई फेशियल कराया था, यूसे उससे दाने निकल आए थे। हाँ वो वाला पहले करवाया था, लेकिन उससे ये हुआ था पोर्स खुल गए थे। मैंने खुद ही किया, लेकिन अब देख लें ठीक हो गया। लेकिन तुमने स्टीम ली थी क्या फेशियल कराते हुए? बस वही है कि लोग भी नहीं मान रहे थे कि कुछ नहीं करवाती, तो कहा कि चलो करवा लेते हैं, पोर्स खुल जाते हैं उसकी वजह से फिर दाने निकलते हैं। तो मैं नहीं होती कोई स्किन की प्रॉब्लम, मैं नोट ही नहीं करती शायद, आई एम नॉट दैट स्किन कॉन्शियस, तो मुझे पता नहीं चलता होके गुजर जाती होगी वो वाला हिसाब है। मैं भी सहेली बन गया हूं ना फिर, मेरी भी अच्छी स्किन है, मैं तो बताइए क्या करे बंदा, अब शूट में भी दो लड़की है, यहाँ तीन हो गई है, तो मैं भी फिर वही हूं। आजकल लड़कों को भी प्रॉब्लम हो रही है स्किन की, पहले तो वो ख्याल ही नहीं रखते थे अपना। तो फाहद, अच्छा फाहद ने भी मुझे बताया ना, हाँ, कि जब मैं गई मैंने कहा फाहद मेरी स्किन तो बहुत बुरी हो गई है, फाहद भी टोट के बता रहे हैं ये लगाओ तुम किंजा, मुझे पता है ये चीज तुम्हें बहुत अच्छी, और फिर मैंने वो लगाना शुरू किया उससे बेहतर हो गया। हाँ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन भूलना नहीं है आपने, आजमाइश रात को 8 से 10 जरूर देखना है, डबल एपिसोड सिर्फ एयर वाई डिजिटल पर। गुड मॉर्निंग, तमाशा तो अब लगेगा, रूह काम जाएगी मॉम की। दरवाजा खोलो, अगर ये शिजा है तो ये कौन है? ये हमारी छोटी बेटी निम्रा। शिजा की जगह तुम निम्रा की तस्वीर भेजोगी? कैसे कर लिया तुमने ये सब कुछ? जैसे निम्रा तुम्हारी बेटी, शिजा तुम्हारी बेटी नहीं। अब तो समझ जाए कि सब में आप ही की बेटी को नुकसान है। तुम जैसी बहन है ना, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। जो कुछ उसके साथ हुआ उसने आजमाइश का नाम दिया उसे और भूल गई। मेरी खामोशी मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी ताकत है, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये हाल की सी सजा मेरी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ है जी फहद, यशमा और किंजा, जो कि कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ड्रामे में, शिजा, निम्रा एंड बासित का, मुझे याद हो गया है। रात 8 से 10 वेनेसडे को आप देख सकेंगे डबल एपिसोड आजमाइश का, और उसकी कहानी
अब आपको ये सुनाने वाले हैं। पता है मुझे प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर और राइटर ये लोग चीख रहे होंगे कि क्या करने वाले हैं, लेकिन मैंने इनसे डील बना ली है अपने फैंस के लिए, इनके फैंस के लिए। चलो भाई कहानी शुरू करते हैं। कौन शुरू कर रहे हैं? मैं शुरू कर हम आज रिवील कर देना। हाँ कहानी रिवील। कहानी कुछ ऐसी है कि जो बासित है वो रात को निकल। अल्फाबेट उठाओगे ना तुम? पहले जो अल्फाबेट में जो जे 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 ओके। तो बासित जूस बहुत पीता है। बासित का मसला है कि बासित जो है वो जूस पीता है, और मतलब उसकी लाइफ में मसला, बॉस भी यही कहते हैं कि यार इतना जूस क्यों पीते हो, और जूस की दुकान पे सबसे पहले निमरा को देखता है। हाँ, वहाँ जूस पीने जा रहा है और वहाँ उसको निमरा मिल जाती है। ओहो, तो उससे पूछता है आपको कौन सा फेवरेट जूस है। हाँ। तो कहती नहीं अभी मैं जूस जो है नहीं पीऊंगी, अब तुम आगे चलाना कहाँ। अच्छा निमरा मिल गई जूस की दुकान पे बासित को, बस यस है ना, इससे शुरू करो। हाँ। आगे आगे बता। हाँ, हाँ, तो शिजा, थैंक यू। शिजा जो है वहीं पे मैं भी ड्राइव करके, शिजा घर से निकलती है, ड्राइव करते हुए जा रही होती है, जूस तो जूस की दुकान पे आ जाती है वो भी। मैंने इन दोनों को देख लिया, अब मैंने देख लिया, मैंने पापा को कॉल करके बताया कि निमरा तो यहाँ पे मार रही है डेट, जूस पी रही है, जूस पी रही है और डेट मार रही है बासित के साथ। ठीक है, इसके आगे बताओ। चुगली लगा दी, चुगली लगा दी, क्या हुआ था? शिजा ने निमरा की चुगली लगा दी कि वो बासित के साथ जूस की दुकान पर जूस पी रही है और डेट मार। और मैंने उससे पूछा था आपका जूस कौन सा फेवरेट, वो कहती एप्पल। नहीं तो आजमाइश तो मेरी है ना। अच्छा। तो आजमाइश जब मेरी शुरू हुई। गुड यार, गुड। कि जब इसने मेरी शिकायत लगा दी। हाँ। तो मुझे अब्बू का आया कॉल। हाँ। कि तुम तो जूस पी रही हो, तो मैंने कहा हाँ मैं जूस पी रही हूँ। मैं तो जूस पी रही हूँ। तुमने अब मैंने कहा कि वो जो एम्प्लॉय हमारे घर आता था मैं तो उसके साथ जूस पी रही हूँ, घर आ जाओ। तो फिर हम घर पहुंच गए। घर पहुंच गए और उनके लिए भी जूस लेकर गए। उनके लिए भी जूस लेकर। तो मैंने कहा दो पैक करवा लो, तो हमने दो जूस पैक करवाए और हम घर के लिए निकल गए। घर के लिए निकल गए और शिजा ने हमारा पीछा किया। कहानी आगे चल गई। अब मेरे पास फिर क्या हुआ खेलने के लिए, शिजा हमारा पीछे कर रही है और जूस। अब ई से ना तो जूस लेके हम पहुंचे। सर ने कहा कि ये तो जूस बहुत अच्छा जूस है। तो ई क्या है? ई अभी आता है। आपने कहा मेरे एग्स कहाँ हैं? मुझे आपके घर में जो माश की दाल और आलू गोश्त बना है वो नहीं खाना, नहीं खाना। मुझे अंडे उबाल के लाओ। फिर सर ने कहा ऐसा करो बासित, फ्रिज में एग्स पड़े तुम उन्हें बॉईल करो। तो फिर शिजा आ गई, शिजा ने कहा ये एग्स तो मेरे थे तो ये आप कैसे बॉईल कर सकते हैं? चलो दो दर्जन अंडे फिर लेकर आओ, जाओ बासित। अब मैं चला गया एग्स लेने और बाकी के एग्स जो थे वो शिजा के पास है। जी शीजा मैं तो चला गया। अल्लाह। अच्छा ये लगाने भी हैं ये आगे लगाती जाना, दोबारा यूज नहीं होंगे। अच्छा मेरा बॉल पे तो कम से हो गया था। फिर मैं ऐसा आ गई, हार आए थे। अच्छा तुम क्यों दे रही हो इसको मौका? मैं एक्चुअली चले गए थे। तुमने क्या बोला था? इसे बोला कि ये अंडे लेने, मैं जा रहा हूं अंडे लेने गया आगे। तो ये अंडे लेने चला गया है। मौत, मैंने कहा मौत है इसकी बात है, ये वापस तो आए एक दफा। मैंने घर से बाहर मुझसे पूछे बगैर भी कैसे मुझे तलवारें, तुमने 7 दिन मेहनत की तलवार चलाने की, तो इसलिए तुम कह रही हो मौत। मैंने कहा इसकी मौत है, अभी वापस है। और तो वो ड्रामे में तलवार कहीं दिखाई नहीं, इसी को कि ये मुझसे पूछे बगैर बात करनी थी ना, मुझे एक्सप्लेनेशन देनी थी क्या कर रहे थे निमरा के साथ। तो फिर रात रात को पूरा दिन तो ये रात चलता कौन सा जूस है जो तुम लोग सब पीने और मुझे घर छोड़ गए। तो मैंने कहा अब्बू जूस तो आपके लिए भी आया है, रात में ही आया है। तो फिर उसके बाद आगे बासित बताएंगे। फिर बासित लेकर आ चुके हैं। फास्ट, बहुत फास्ट में आया मैं ना, बहुत फास्ट गया और मैं फास्ट फास्ट वापस आ गया। सर ने कहा वेरी फास्ट। मैंने कहा सर आई एम लाइक दिस। तो सर ने कहा इंप्रेस कर रहे थे आप। उन्होंने कहा नाइस टू मीट यू। मैंने कहा ग्रांट मी लीव ऑफ 2 डेज। तो उसके बाद जो थी शिजा वहां खड़ी थी, उसने कहा तुम रुक जाओ बासित, मैं बात करूंगी। तुमने क्या कहा बासित? मैं बात करूंगी। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ प्लान बना के एक दफा तुमने मुझे भी पिलाया, उसके बाद सेम दुकान पे तुम निमरा को लेके गए जूस पिलाने।
तो बस यही हुआ फिर कमीने आई लाइक दिस कैसे ये हो सकता था मेरे कैरेक्टर के हिसाब से ओके तो आप वो लड़ रही है फजर 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 ने कहा लाइट ठीक नहीं है थोड़ी लाइट ठीक कर लो फिर आप शुरू करिएगा तो फिर फजर जब आया लाइट ठीक हो गई गेस्ट अपीयरेंस दी ड्रामा हां गेस्ट अपीयरेंस दी उसने वो आया और उसने कहा कि मैं हमने बहुत बड़ी एक चीज रिवील की है फजर भी है ड्रामे में गेस्ट अपीयरेंस ओह ये असल में रिवील हो गई फजर के बगैर ड्रामा की कहानी कितनी अच्छी है मतलब एक जूस को लेके फजर ने पूरा ड्रामा डायरेक्ट कर दिया समीना एजाज ने पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया शहूद अलवी लैला वास्ती बताते जाओ और फुल्तान कुरैशी शुरू हो गई कि मुझे तो फालसे का जूस चाहिए था ये क्या हो गया टोमेटो केचप हां क्या टोमेटो केचप ओहो अब जूस से हटके अब बर्गर और ब्रोस्ट पे आ रहे मेरे को खून ये क्या है मैं नाश्ते के बगैर आई हूं ये लोग मुझे क्रेविंग्स टोमेटो केचप हां सर ने कहा कि देखो बासित आज हम खा तो रहे हैं अंडे और दाल लेकिन मेरा दिल है कि कुछ चिप्स भी हो जाए आलू भी आ जाए तो टोमेटो केचप जो है वो भी ले आओ जाके तो अब फिर बासित को भेज दिया छोटू ही है तो मैं टोमेटो केचप लेने गया तो शीजा ने मुझे आवाज लगाई शीजा फिर तुमने मुझे क्या कहा आवाज लगा मैंने कहा तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे इस घर में आना जाना हो रहा है किसी बहाने से दो लड़कियों मुझे तुम देखना चाह रहे हो ना बार बार तुम्हें मैं बताती हूँ ड्रामे में कि तुम्हें कोई एक भी नहीं मिलने वाली सफर फिर मेरा निम्रा ने साथ क्या दिया निम्रा ने बोला शीजा स्टॉप इट खबरदार जो तुमने बासित के साथ अब जूस पीने की नजर आती आई मुझे क्योंकि अब बासित मेरा है बासित सही है बासित पे लड़ाई हो रही है मैंने कहा रफ लड़ाई ही बात है दिस इज वेरी रफ दिस इज टू मच रफ सुनिए दो घंटे इन्वेस्ट करने सोच रहे हैं एक भाड़ा निकाल रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं और ऐसे भी लोगों को पता ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता लेकिन जो है वो मस्ती कर रहे थे हम जाहिर है असल कहानी वी कैन नेवर बी स्क्रिप्ट राइटर्स हम क्यों बताएं आपको दो घंटे में असल कहानी वो दो घंटे आपने खुद लगाने हैं रात 8 से 10 सिर्फ एआर बाय डिजिटल पर आजमाइश देखकर है ना भाई हर ड्रामे में तो आपको किंजा यशमा और फहाद नहीं नजर आएंगे ना यहाँ मेरा तो मुश्किल है आपने अपने आप को वक्फ कर दिया है बिग बैंग को वक्फ कर दिया नहीं नहीं वैसे ही कह रहा हूँ मेरा हर अगला ड्रामा मुश्किल हो जाता है अच्छा तो मैं दुआ करता हूँ फिर मिल जाता है अच्छा अब अगर हम सच्ची बातें करें इसको पैकअप दीजिए ओके ओके सच्ची वाली बातें करें किंजा का कैरेक्टर क्या है जो निम्रा है उसका क्या कैरेक्टर है ड्रामे में थोड़ा बहुत हमें प्रोमो से नजर आ गया ना और पहले एपिसोड से भी पता चल गया अच्छा निम्रा जो ना लग रहा है अभी कि बहुत रोंदू है रो रही है सब कुछ उसके मतलब मजलूम है जुल्म सह रही है ऐसा नहीं है वो चुप है सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ जो है वो अपनी माँ की वजह से चुप है अच्छा वो भी बहुत स्ट्रांग लड़की है हाँ। और वो भी माँ को बोलती है कि स्टैंड लेती है माँ के सामने कि क्यों आप इतनी चीजें सह रही हैं आप बस करें नहीं हो रहा मुझसे ये सब लेकिन माँ जो है माँ उसको कहती है कि नहीं बेटा जिंदगी ऐसे ही गुजरती है इसको इसी तरह बर्दाश्त करो जैसे कि वो कि एक आजमाइश में हम दोनों डाल दिए गए हैं उनका एक डायलॉग है लेकिन वो उससे अग्री नहीं करती है वो कहती है कि आजमाइश आपने बनाई है हम चाहें तो हम निकल सकते हैं हम अपने हालात बदल सकते हैं मैं काम कर सकती हूँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ आप एक दफा स्टेप तो लें ओके तो वो रोंदू नहीं है वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं वो करती है लेकिन जहाँ पे बात आती है सबकी तो वो फिर वहाँ पे चुप कर जाती है अच्छा भाई यशमा तुम बताओ अपने कैरेक्टर के बारे में आई थिंक शुजा थोड़ी सी अटेंशन सीकर है थोड़ी भी काफ़ी अटेंशन सीकर है और मैंने जब इनिशियली स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि एक तो होता है ना कि दो लड़कियां अमूमन जो एक लव ट्रायंगल होता है और किसी लड़के के पीछे लड़ी होती है वो आगे जाके आप देखेंगे कि क्या होगा और वो किस तरह से वो एक ट्विस्ट बनता है बट इनिशियली मेरी जो लड़ाई है निम्रा से वो है मेरे बाप के पीछे कि मैं अपने बाप को शेयर नहीं करती किस कर सकती किसी के साथ मेरी माँ की डेथ हो चुकी है यू नो मैं अपनी बहन के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हूँ घर के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हूँ तो इस तरह कैसे कोई और औरत और लड़की उठ के आ गई है जो लाइक इस घर पे मुझे मैं नेगेटिव हूँ उन लोगों के बारे में मेरा परसेप्शन ये कि देर एक्चुअली नॉट नाइस पीपल ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी जितनी भी और मुझे अपने बाप से भी गिला है कि वो मतलब क्यों इनकी इतनी साइड लेते हैं तो मेरे जितने भी मुझे इसमें लगता है मेरा जो भी रेज है ना इस ड्रामे में दैट इज़ हर्ट ड्रिवन सो एवरी नेगेटिव एक्शन दैट आई एम गिविंग आउट इज़ हर्ट ड्रिवन एंड देन समथिंग हैपेंस लेटर मुझे पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा बहुत लेके आएंगे बासित तो वो आई थिंक बड़ी आगे की कहानी है तो मैं बता नहीं सकती कैसे बट ही विल बी द मतलब गेम चेंजर फॉर मी आई एम द गाय Okay. Okay, तो क्या है
और वो भी जैसे हमने देखा पहले एपिसोड में, निमरा को जब जरूरत होती है ना तो बासित वहाँ पे तो निमरा को देख के ही फॉल्स इन लव और मतलब हैप्पी. एक जॉब है, भाभी भी दिखा दी है मेरी जैसा भी. अब कैसे लड़का इसकी पूरी, मैं अब हमेशा मुझे लगता है जो ये यशमा भी कहती है, मुझे लगता है स्टोरी मेरी है, दो की लड़कियों की है, मुझे लगता है कि ये मेरी है. अच्छा, आप लोगों के साथ जो कैरेक्टर्स काम कर रहे हैं उस घर में वो हैं शहू दलवी और लैला वास्ती जो मलिक भी है. नहीं नहीं, मैं सवाल बात को याद करी, मुझे मैं कास्ट नहीं बता रही. आपके साथ जो लैला वास्ती और शहू दलवी है वो पीटीवी के जमाने के एक्टर्स हैं, उनकी एक अलग ट्रेनिंग हुई हुई है. तुम लोग आज के जमाने के एक्टर्स हो, तो तुम लोगों को डिफरेंस क्या लगता है? मैं शहूद भाई के साथ, लैला जी के साथ ये दूसरा ड्रामा है. डंक में भी वो मेरे फादर है, यहाँ तो मेरे बॉस है. शहूद भाई ने मुझे बहुत सिखाया है, तो आई कॉल हिम फादर वैसे भी, क्योंकि जब आपको इतना सिखाए और शहूद भाई लेके चलते हैं आपको, उनका वो गिवर है. वो होता ना कुछ लोग जुमले को ऐसे कर लो, यहाँ पॉज ले. नहीं नहीं नहीं, बड़े तरीके से आपको हार्ट भी, क्या आप भी एक्टर है, आपको ये कहते आप एक्टर हो, ये यूं करके देख तो शायद बेहतर हो. वो आप जब करते हैं आपको पता चलता है, अच्छा मैंने तो इस एंगल से सोचा नहीं. तो शहूद भाई में ये, लैला जी क्योंकि लड़कियों के साथ ज्यादा बैठती है तो मेरा नहीं, मेरा शहूद भाई के साथ बहुत है, तो ये मेरा उनके साथ दूसरा ड्रामा है. तो मेरे ख्याल से ये ब्लेसिंग है कि आपके पास वो वाले एक्टर्स हों जिन जो उस टाइम से हैं, जिन्होंने वो सारी ड्रिल्स देखी हैं, और क्योंकि वो आज भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो है करंट सिचुएशन के साथ चलाया. ढालना पड़ता है ना, ढालना पड़ता है. जी भी सेम ऐसी हैं, उनके साथ भी मेरे आई थिंक 2-3 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ उनके साथ, तो वो भी हर उससे पहले सीन पड़ेंगे. दोनों डायरेक्टर दोनों डायरेक्टर्स हैं, तो दोनों सीन देखते हैं और दोनों के पास वो बारीकी है. मैंने बहुत कम ऐसे सीनियर एक्टर्स देखे हैं जो लाइक आई थिंक इतना काम करके फिर एक एज फैक्टर में तो आप थक जाते हो, लेकिन ये लोग दोनों जो है ना एंड तक हम लोगों को क्यूज देने के लिए भी खड़े रहते हैं. एनर्जी है हम लोगों को सीन में, जिस तरह फहद ने बोला बताते हैं. लैला जी भी स्पेशली मुझे काफी दफा बता देती है कि तुम ना इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लो, मैंने मुझे लग रहा है तुम्हारा सीन इस तरह से ज्यादा अच्छा होगा. शहूद सर बेचारे काफी सीन्स में उनको चीखना पड़ा है, उनके बीच में तबियत भी खराब थी, उनका गला खराब था, बट फिर भी ही वाज सो प्रोफेशनल कि वो क्यूज देते हुए भी मेरे साथ सीन्स में वो चीखते थे. तो मैं कहती थी शूट सर नहीं सो के मैं उसके नहीं बेटा कैसे आएगा, एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग, तो मैं दूंगा तो तुम्हारा रिएक्शन आएगा. तो चले जी, ये सारी जो बातें आज हमने की वो रिगार्डिंग आजमाइश थी, और आजमाइश आपको हम ये बावर कराना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं 19th मई से शुरू हो चुका है एक ड्रामा जिसका नाम आज माइश है. कभी कभार होता है ना, सब इतने बिजी होते हैं उनको पता नहीं चल रहा होता कि अच्छा शुरू हो गया है प्रोमो. नहीं, जब आज पता चलेगा दोबारा, अगर आपने मिस कर दिया है 19th मई वाले एपिसोड, तो हम आज आपको बता रहे हैं यूट्यूब चैनल पे एआरआई के देखने के बाद बाकी के जो एपिसोड है 3rd and 4th वो आज आएगा रात 8 से 10. देखना नहीं भूलिएगा, पूरी टीम की मेहनत है. बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस है, राइटर है इसकी समीना एजाज, डायरेक्टर है फजर रजा. और मैं ये बताती चलूँ, थोड़ा सा एक हिंट दे दूँ कि फजर रजा जो है वो फिल्मों से कनेक्टेड रहे हैं, जो नबील कुरैशी की जितनी भी फिल्में थी, ताकि लोगों को थोड़ा डायरेक्टर कौन है वो उसको उसमें एसोसिएट थे साथ, तो उनका जो ड्रामे का टच है उसमें कोई मजे की टच स्क्रीन फिल्मी होगी, तो अपना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, इन लोगों को मैं थैंक यू कहूँगी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने का यहाँ, एंड बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का ड्रामा जो है हिट जाए इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. तो अब हम आपको कंप्लीट ओएसटी दिखा रहे हैं, आप लोग भी देखिए. एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इस वक्त हम जरा ब्यूटी के ऊपर बात करें, और ब्यूटी चार्म लेकर आई हैं किरण हमारे पास, और मुझे लगता है सारी ब्रांड्स की ये फेवरेट है, आज भी मेरे पास ही शो पे मौजूद है. जी किरण, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम. ये जो आप ब्रांड देख रहे हैं ब्यूटी चार्म्स, ये सबसे पहले ये तो तुम बताओ कि इस कंपनी के फाउंडर कौन है भाई? मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, ब्यूटी चार्म्स जो है, जो लोग अभी सुन रहे हैं इसका नाम, ये पाकिस्तानी ब्यूटी ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. इसकी प्राइसिंग, इसकी क्वालिटी और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लोगों में
में बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रहा है, ख़ास तौर से ये जो इनका ब्यूटी चांस का 24-कैरेट गोल्ड फेशियल किट है, इसके बारे में भी बताऊंगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ, इनके जो फाउंडर हैं और जो ब्यूटी चार्म्स को जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कोई 14 साल पहले मिस्टर हारून, और उन्होंने बहुत प्लानिंग की थी, बहुत सारा काम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनके बाद उनकी बहनों ने इनके इस ख्वाब को आगे बढ़ाया है। अच्छा। और दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बहुत ज़बरदस्त इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं बल्कि आपको बहरीन, दुबई, सऊदी अरब में भी मौजूद प्रोडक्ट्स हैं। इनके मोर देन 30 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, बेसिकली इनका लाहौर में हेड ऑफिस है। अच्छा। लेकिन इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद हैं, जैसे कि कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान और पेशावर में। और इनके अपने पर्सनल राइडर्स हैं जो कि आप जब ऑर्डर करते हैं तो विद इन 2 डेज आपको पार्सल आपके घर पर मौजूद मिलेगा। इनकी ब्यूटी चार्म्स के प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि हर एज ग्रुप के लिए है, मेल हो, फीमेल हो, बड़े बूढ़े हो, जवान हो, इवन के टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म और साइड इफेक्ट्स। और दूसरा ये है कि इनका जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना, वो इनका ये 24-कैरेट फेशियल गोल्ड फेशियल किट है, जो कि इतना ज़बरदस्त है, इसके मोर देन 5,000 व्यूज़ आए हैं और लोगों ने इतना पसंद किया है। ये तो बता दो कि इसमें है क्या क्या। अरे मैं सारा कुछ बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो एक मैं ये गिफ्ट ब्यूटी चार्म्स की तरफ से, उन्होंने कहा था कि ये निधा को प्रेजेंट कर दीजिएगा आप, ताकि वो भी इस्तेमाल करें एंड शी कैन हैव ऑल द ग्लो ऑन हर फेस। एक मुझे भी उन्होंने दिया है और मैं भी इसको अब रेगुलर इस्तेमाल करूंगी। ग्लो क्लेंजर है। ग्लो क्लेंजर। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। एक तो ये कि ये जो बड़ा किट आप लोग देख रहे हैं ना, इस बड़े किट में आप तकरीबन 15 फेशियल्स कर सकते हैं, और इसकी प्राइस इतनी लो कॉस्ट है कि मतलब अगर आप किसी सैलून जाते हैं, आप एक दफ़ा फेशियल करवाते हैं, उसी प्राइस में आपको 15 फेशियल्स मिलेंगे। पूरा घर भी कर सकते हैं, पूरा घर कर। मैं तो कहती हूँ अगर भाभी है ना तो भाभी लेकर आ जाए, वो नंद का भी फेशियल कर दें, सास को भी खुश कर दें, रिश्ते भी कर दें, मर्दों के लिए, दोनों के लिए है ये, मेल एंड फीमेल के लिए। बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको इतना। और गोल्ड टाइप ये तो बताओ किस, ये हर स्किन टाइप के लिए। आई मीन गोल्ड फेशियल का हमारे दिमाग में आता था तो हमें कहते थे यार सैलून जाना पड़ेगा, इतना खर्चा हो जाएगा। अब घर बैठे बैठे जो है आप ये फेशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। मैं भी ये आपको बता दूँ इसमें क्या किया हुआ है, ये डिफरेंट पाउचेज हैं जिसमें नंबरिंग दी हुई है, तो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी होता है कि ये नंबर 1 पाउच है, ये है क्लिंजर, ग्लो क्लिंजर। इसको आपने क्या करना है, चेहरे पे पहले क्लिंज करना है, 5 से 10 मिनट आप कीजिए। अगर आपकी नॉर्मल सेंसिटिव स्किन है, अगर आपकी थोड़ी सी हार्ड वैसी स्किन है तो आप देर तक मॉइस्चराइज करें। अगर ड्राई स्किन है आपकी तो आप इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से क्लिंज करें, मसाज करें, और इस क्रीम को रहने दीजिए, एब्जॉर्ब करने दीजिए अपनी स्किन को ना, ताकि वो थोड़ी सी बहुत अच्छी सी मॉइस्चराइज हो जाए। ये इसका स्टेप 1 है। इसका स्टेप 2 है ये ब्लीचिंग एंड पॉलिशिंग, ये आपने करना है। इस पे लिखा हुआ है 2, ये है 24-कैरेट गोल्ड हाइड्रेटिंग वॉल्यूम 20। इसका 1.5 चम्मच आपने लिया, इस पाउडर का आपने 1/4 चम्मच लिया, मिक्स किया जैसे कि हम ब्लीच मिक्स करते हैं, एक पेस्ट बना लेना है और इसको चेहरे पे लगा देना है। तकरीबन आप 15 मिनट रखेंगे अगर आपकी ड्राई स्किन या सेंसिटिव स्किन है, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसको 20 से 30 मिनट भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल हार्म नहीं करता है। ख़ास तौर से ये जो अंडर आई एरिया है जो ज़्यादा डार्क हो जाता है, आप यहाँ भी ये क्रीम, ये पॉलिश लगा सकते हैं मिक्स करके ना। तो ये किया आपने, ये इसका दूसरा स्टेप है। बस ध्यान रखना कि आंखों में ना जाए, जैसे हम ब्लीच क्रीम के लिए करते हैं। तो इससे ये कि स्किन पॉलिश, ये आपके स्किन को शाइन देगा। आपने वॉश कर दिया इसके बाद, फिर आता है जी इसका नंबर 3 जो है स्क्रब। ये है इसका स्क्रब, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। इसके बाद आपने जो वॉश किया ब्लीच और पॉलिश लगाने के बाद, आपने ये स्क्रब लगाना है। इसको आपने 5 मिनट तक अच्छे से पूरे चेहरे पे स्क्रब करना है। थोड़ा सा 5 मिनट रहने दीजिएगा ताकि वो अपना काम करे। आपके स्क्रबिंग से ये होता है कि आपके जितने वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, डेड स्किन है, वो निकलती है। इसको रखने के बाद थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए, मिस्ट कर लीजिए चेहरे को, हल्का सा मॉइस्ट हो जाएगा। इसके साथ आपने मिलाना है ये क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। स्क्रब को धोना नहीं है, स्क्रब के साथ ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लगाएंगे
और अच्छे से मसाज करेंगे ताकि वो और अच्छे से जो आपका स्किन का एक वो सारी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, आपके हाथों का जो फ्लो है वो अच्छा रहेगा जब आप ये क्रीम ऐड करेंगे। फिर आप अच्छे से धो लीजिए चेहरे को, आपको वैसे ही रिजल्ट इतना अच्छा सामने नज़र आ जाएगा, आप चेहरा अपना देखेंगे, आप कहेंगे वाह यार। लेकिन इट्स नॉट द एंड, अभी मास्क बाकी है और मास्क बहुत ज़रूरी होता है लगाना। आपके जितने पोर्स खुलते हैं आपके स्क्रबिंग से, फेस पॉलिश से, मसाजिंग से, तो वो सारे पोर्स को एक तो बंद करता है, प्लस आपकी जो रेडनेस है उसको भी ख़त्म करता है। तो इनके पास ये पील ऑफ मास्क भी है और ये पाउडर मास्क भी है जो कि फॉर ऑल स्किन टाइप है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो ये वाला मास्क आप अप्लाई करें। इसको पानी के साथ मिक्स करना होता है और थोड़ा सा आपने इसमें ये क्रीम ऐड करनी होती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ठीक है, तो ये जैसे ही मास्क सूख जाए आपने वॉश कर लेना है, एंड में आप ये सीरम लगा लेंगे। हाँ। देखो बहुत सारे लोग जो है ना अपनी स्किन खराब कर लेते हैं, स्किन फेयर करने के चक्कर में, ब्राइट करने के चक्कर में फॉर्मूला क्रीम्स लगा लेते हैं। बहुत इनके पास कुछ ऐसी चीज है जो इनके पास सारी स्किन रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। एक तो इनका ये स्किन परफेक्ट है, ये वाला जो स्किन परफेक्ट है, दिस इज़ फॉर योर डार्क स्पॉट्स, फॉर योर पिंपल्स और दाने जो आपके स्कार्स छोड़ते हैं, आपके ये जिसे कहते हैं ना महासे वगैरह, इस तरह के, इसके लिए ये आपने स्किन यूज़ करनी है। इसमें वाइटिंग है, इसमें वाइटिंग एजेंट भी है, एंटी एजिंग भी है और ये ग्लो भी बरकरार रखता है। इनका ये फेस वॉश है यहाँ पे, ये वाला ये फेस वॉश जो है ख़ासतौर से समर्स में आप इस्तेमाल करें। आप बाहर धूप में जाते हैं, आपको ये गर्म हवाएँ से आपकी जो स्किन है झुलस सी जाती है, तो उसकी फ्रेशनेस, उसका ग्लो बरकरार रखने के लिए ये फेस वॉश है। इसके अलावा जैसे बच्चे भी आजकल मोबाइलों पे लगे रात को देर तक, बच्चों को लगाने के लिए डार्क सर्कल्स के लिए ये इनका कैफीन है सिरम। अच्छा, ये आप अंडर आई एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। आप अगर इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे आपको सारे ये चीजें प्रोडक्ट स्किन रिलेटेड हेयर रिलेटेड मिलेंगी। अच्छा, ये इनका वाइटनिंग जो है क्रीम है जो कि सेंसिटिव एरियाज के लिए, प्राइवेट पार्ट्स के लिए है। जैसे प्राइवेट पार्ट्स पे गंदी क्रीम लगा के वो काले हो जाते हैं, प्लीज नहीं करें। और हमारे मतलब लाइक जो हेयर रिमूविंग क्रीम है ना, बहुत से लोग यूज करते हैं, वो डार्क हो जाता है, डार्क हो जाते हैं और ड्राई हो जाता है, और हमारे अपने हार्मोन्स के अप एंड डाउन की वजह से वो स्किन सारी खराब हो जाती है। तो उसके लिए ये बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है, आप लोग यूज कर सकते हैं इनके ये प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इनका ये सीरम है जो कि ऑफकोर्स अगर आप ये पूरा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने ऑयल मसाज किया, इनका ये फेस ऑयल भी यहाँ पर है, ये है फेस ऑयल मसाज, ये स्किन को टाइट करता है। ये आपकी फाइन लाइंस हैं, आपके रिंकल्स हैं, आपके पोर्स खुले हैं, ये सारा काम आपके लिए परफेक्ट कर देगा। लेकिन मुझे बताओ, ये तो तुम सब बता रही हो, प्राइसेस के हवाले यार, प्राइसेस मैंने एक तो आपको बताया कि इतने रीजनेबल प्राइसेस हैं, स्पेशली ये जो किट अगर आप ये वाला ले लेंगे जिसमें आप लोग 15 फेशियल कर सकते हैं ब्यूटी चार्म्स का, वो भी 24 कैरेट गोल्ड का, ये वो प्राइस है कि जो आप एक फेशियल की सैलून में जाकर देते हैं, तो आपको उस प्राइस में 15 फेशियल्स मिल रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी प्राइसेस कितनी रीजनेबल हैं, वेरी इफेक्टिव। इसके रिजल्ट्स जब आपको मिलेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, एंड आई थिंक यू शुड गो ऑन देयर वेबसाइट और आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ ऑर्डर करें एंड हैव ऑल द ग्लो ऑन योर फेस यू ऑलवेज वॉन्टेड विदाउट इवन गोइंग टू अ सैलून। सोशल मीडिया पे जाके ही ऑर्डर करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे जाके देखें, ये वैसे तो दुबई वगैरह में तो अवेलेबल है, बट आप इनकी जो मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं और इनकी वेबसाइट है beautycharms.pk.global पे जाकर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, विद इन टू डेज इनके जो पर्सनल राइडर्स हैं वो पार्सल आप तक पहुँचाएंगे एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट। अच्छा, लेकिन हमारे शो के जरिए क्या डिस्काउंट? अरे 10% डिस्काउंट फॉर ऑल दोज जो आज ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन शाम 6 बजे से पहले पहले, 6 बजे तक आपके पास टाइम है। 10% अगर आप अवेल करना चाहते हैं डिस्काउंट ब्यूटी चार्म्स के प्रोडक्ट्स पे, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऑर्डर, इवन ये जो ब्यूटी चार्म्स का 24 कैरेट फेशियल किट है बड़ा वाला, वो भी आपको 10% ऑफ पे मिलेगा। एंड इट्स एन अमेजिंग ऑफर एंड अमेजिंग ब्रांड आई मस्ट से, एंड आई विश ऑल द गुड लक। ये जो तीनों बहनें अपने भाई का ख्वाब लेकर चल रही हैं, तो
हमारी दुआएं इनके साथ हैं एंड दे डूइंग अ वंडरफुल जॉब. बहुत ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है. एक तो मैं यूज़ करूँगी, आप भी यूज़ करके ज़रा देखिएगा कि वो ग्लो और वो जो फ्लॉलेस स्किन हर किसी हर औरत की एक वो चाह होती है. और आजकल तो ज़्यादातर लोग फोकस करें स्किन के ऊपर, बहुत सारे मेकअप से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्किन की प्रोडक्ट्स पे की करनी भी चाहिए. यू नो आप लेट योर स्किन ब्रीद. ये फेशियल्स ऐसे हैं कि हम सालों साल हो जाते हैं हम सैलून सोचने का यार, अभी कोविड की वजह से यार सैलून मेलोन रहते नहीं है ना, हम घर पे करें. अब वो फिर आदत हुई भी होती है आपको स्किन साफ रखने की. और आप घर बैठे बैठे ना फेशियल एक्सपर्ट बन जाए, आप हर एक के आप कर सकते हैं बहुत कम कीमत. थैंक यू किरण, इतने अच्छे से सारी चीजों को समझा दिया. आई गेस आपको समझ आ गया होगा. तो जनाब ये था हमारा आज का शो. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. दुआओं में याद रखिएगा. खुदा हाफिज एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. तेरी पलके चूम के हवा के साथ.